आवाज आ रही है मेरी? चलिए भाई, आवाज आ रही है? राइट। बच्चों, वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? बच्चों, वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? चलिए, राम राम भाई सारे। आज है अपना रोटेशनल हार्ट का 13वां दिन और आज आप सबने मैंने करवानी है मेहनत। तो चलिए भाई, बिना कोई देरी के स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये लेक्चर। आज अपन रोलिंग मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, ये रोलिंग मोशन कौन है? ये तुच्छ प्राणी। हेलो। सर, मैं क्लास में था, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हमारी खुद की बुक चलती है, तुम्हारी क्या लेंगे हम। चलिए, फोन करते हैं, डैश बुक से हम बात कर रहे थे। क्या करें, हम कर रहे होंगे। हाँ यार, फ्लो तोड़वा देते हैं यार ये लोग। यार एक तो इतना वीआईपी नंबर से कॉल किया था, मुझे लगा कि कहीं प्रधानमंत्री का तो कॉल नहीं है मेरे लिए सीधा है। चलिए, सो बच्चों, लोलिंग मोशन आज अपन करने वाले हैं और ये एकदम लोलिंग आपके लिए हो जाएगा। आपको क्या करना है, आज जैसा बोल रहा हूं बस वैसा इमेजिन करते हुए चलना है, चैतन्य का उपयोग करना है, आपको चीजों को विजुअलाइज करना है ना। आज एबी के सर ने आपको जितने फंडे बताए हैं सारे आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। और ये मेरा वादा है आपसे कि इस लेक्चर के एंड तक आपके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकलेगी, वाह सर मजा आ गया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो मेरे को बताना, नहीं सर आवाज नहीं आई या आवाज आई, याद रखना लेक्चर के एंड में। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, पहले ही बता दूं, माइंडसेट बना के बैठिए, 2.5 से 3 घंटे आज आपको यहां पर बैठना पड़ सकता है। नाउ, लोलिंग मोशन क्या होता है बेटा? लोलिंग मोशन होता है आपका जब ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों हो रहा हो। आपको बस एक चीज आना चाहिए, वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने आपको कैसे बनवाई थी, एक्सेलरेशन प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। जब आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों हो रहा हो एक साथ तो उसको लोलिंग मोशन कहा जाता है। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका सिलेंडर है, ये घूम घूम कर आगे जा रहा है अगर, तो ये लोलिंग मोशन हो गया, हाँ है ना। ये सिलेंडर है, अगर मैं इसको ऐसा रख दूं तो घूम घूम के आगे आया, नहीं, जैसे ही ऐसा किया घूम घूम के आगे आया या नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, लोलिंग मोशन हो गया, राइट। चलिए, अगर ये लोलिंग मोशन है बेटा तो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। और जब भी आपको वेक्टर याद करिए, वन डायमेंशन अलग पड़ा था, उसके बाद दो ले लो, तीन ले लो, वेक्टर ने क्या किया था, वेक्टर ने कहा था आप वन डायमेंशन पढ़ रखे हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका एनालिसिस अलग से करो, इसका एनालिसिस अलग से करो, इसका एनालिसिस अलग से करो, और उसके बाद इनका वेक्टर सम कर दो, यही कहा था या नहीं। लोलिंग मोशन में भी अपन यही करने वाले हैं बेटा। आपको क्या करना है, लोलिंग मोशन इज अ कंबाइंड मोशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, एक ट्रांसलेशन हो रहा होगा, एक रोटेशन हो रहा होगा। ट्रांसलेशन अलग देखना, रोटेशन अलग देखना, खत्म लोलिंग मोशन, इतना ही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, खत्म। क्या कहा मैंने, ट्रांसलेशन अलग से देखना, तो
ट्रांसलेशन में क्या हमको पता है हर बॉडी के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, वही जो होती है जो उसके सेंटर ऑफ मास की होती है, हाँ या ना। लोलिंग मोशन में बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा की वेलोसिटी होती है और at इज इक्वल टू आर अल्फा का एक्सेलरेशन होता है। अगर आपको इतना पता है तो बधाई हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देख लेना आप अभी, चलो आओ दिखाता हूं, चलो फील कराता हूं, सामने करके दिखाता हूं सारी चीजें, मजा तभी आएगा। मान लो एक लोलिंग मोशन हो रहा है, और अगर ये लोलिंग मोशन हो रहा है बेटा, मैं इसके थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और बेटा इसको भी अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और इसको अलग कर दो, एकदम बहुत बढ़िया। मैंने कहा, आराम से देखिए, मैंने कहा अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चे VCM है, और बेटा ये ओमेगा से इधर घूम रहा है, इधर इधर कहीं भी घूमे हमको क्या करना है ना, ओमेगा से इधर इधर घूम रहा है कहीं भी हमको क्या करना। मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, आराम से, मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से दिस टू बी योर पॉइंट पी, दिस टू बी योर पॉइंट पी, टी टाइम बाद इस पॉइंट पी को एनालाइज करना, ये टी इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन थी, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखिए, मैं इसको तोड़ रहा हूं, इसके मोशन को मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ने जा रहा हूं, और जब तोड़ने जा रहा हूं तो एक बार देखूंगा आराम से ट्रांसलेशन, एक बार क्या देखूंगा, ट्रांसलेशन देखूंगा, और एक बार क्या देखूंगा बेटा, रोटेशन देखूंगा। सिर्फ ट्रांसलेशन देखना है, भूल जाओ रोटेशन, और ट्रांसलेशन यानी कि क्या ये आगे आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। हाँ जी सर, आगे आ रहा होगा। आपको नहीं लगता ये जो P पॉइंट यहां पर था बेटा, T टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट T टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना, आप बताओ। बच्चों जब ट्रांसलेशन हो रहा था तो यहां पर जो आपका P पॉइंट था वो यहां पर पहुंच गया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी सर, मैंने कहा अगर ये V की स्पीड से चल रहा है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल देगा सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आप बताओ बेटा, बताइए ना प्लीज, आप बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा ये टी टाइम में। क्या बहुत बड़ी चीज बताई मैंने, खोल के ही तो दिखा दिया, पोस्टमार्टम आज पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम होने वाला, बिल्कुल चिल होके बैठो। कितना चल लेगा सर, D इज इक्वल्स टू V इंटू टी चलेगा, हाँ या ना, D इज इक्वल्स टू V इंटू टी, और ये VT क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। हाँ सर, अगर ट्रांसलेशन देखना है, ट्रांसलेशन में तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम आपका आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको तोड़ा ट्रांसलेशन में और रोटेशन में। अगर रोटेशन देखना है, सोचो 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 सोचो, अगर रोटेशन देखना है बाबू भैया, आपका पॉइंट पी यहां पे था, सिर्फ रोटेशन देखो टी टाइम बाद कुछ यहां पहुंच गया होगा मान लो, हाँ या ना। मेरे कहने का मतलब है जो आपका पी पॉइंट था, क्या वो टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां था, यहां पहुंच गया होगा, यानी टी टाइम में कुछ थीटा का एंगल चल दिया होगा या नहीं, हाँ या ना। ये जो पॉइंट पी था ये टी इक्वल्स टू टी पर यहां पर आ गया, और ये वाला पॉइंट जो था ये टी इक्वल्स टू टी पर यहां आ गया या नहीं। तो एक्चुअल में आप मेरे को एक बात बताओ सर, ये थीटा कितना होगा। मैंने कहा अगर ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, यानी क्या है, स्मॉल टी टाइम है, यहां पे स्मॉल टी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर स्मॉल टी कर लो, हर जगह स्मॉल टी लिखा है ना, बस डंडा ऊपर नीचे कर लेना। तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी हो जाता है, हाँ या ना। टी टाइम में कितना चला, टी टाइम में इतना चला। एक्चुअल में क्या हो रहा है,
मैंने ट्रांसलेशन अलग से देख लिया, ड्यू टू दिस लीनियर वेलोसिटी ये टी टाइम में वी इंटू टी आगे चल देगा, और एट द सेम टाइम ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम में ओमेगा टी का एंगल घूम जाएगा। तो एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट पी क्या होगा, टी टाइम में आगे आया और यहां पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, फील कर एग्जैक्ट जो हो रहा होगा, आपका ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा और पी पॉइंट यहां पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, हां या ना, हां या ना। कैसे चल रहा है पॉइंट पी? पॉइंट पी सर ऐसे चल रहा है, सर पॉइंट पी ऐसे चल रहा है, यहां कहीं पहुंच जाएगा या नहीं, ऐसा घूमता हुआ आगे आया टी टाइम में। आप बताओ लोलिंग मोशन क्या बहुत टफ दिख रहा है आपको बेटा? लोलिंग मोशन क्या बहुत टफ दिख रहा है या नहीं, फटाक से बताओ। बहुत टफ दिख रहा है क्यों? इजी पीजी, अरे आओ इसी को आगे बढ़ा के देखते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लोलिंग मोशन। आपको कुछ डेटा गिवन है, वो डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर गिवन है, आपको जो टाइम देके रखा हुआ है वो पाई अपॉन टू ओमेगा देके रखा हुआ है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर 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 चलिए अगर अगर इसकी वेलोसिटी वी देके रखी और ये ओमेगा से घूम रहा है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसकी कितनी देके रखी है, वी देके रखी है और ये ओमेगा से घूम रहा है और पॉइंट पी आपका यही है। चलो पॉइंट पी आप यही ले लो, जो भी लेना हो कहीं पे भी ले लो, डजेंट मैटर, यहां ले लो पॉइंट पी, चलो यहां ले लो, और इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आपको देके रखी है बेटा आर, ठीक है, खेलो बहुत आराम से, कोई लोड वाली बात नहीं है, आराम से खेलो। पॉइंट पी ये जो आपको देके रखा हुआ है ये कैसा दिख रहा होगा, इसको निहारिए, पॉइंट पी को निहारिए आराम से। सर पॉइंट पी जो है वी की स्पीड से, पॉइंट पी जो है सर वो वी की स्पीड से टी टाइम में V इंटू टी आगे निकल लेगा या नहीं निकल लेगा? सिर्फ ट्रांसलेशन देखो, कुछ नहीं देखना। मैंने कहा इसको तोड़ लो ट्रांसलेशन में और रोटेशन में। लोलिंग मोशन यही तो होता है, हाँ या ना, ट्रांसलेशन में और रोटेशन में तोड़ लो। अभी सिर्फ ट्रांसलेशन की जब आप बात कर रहे हो, तो सिर्फ ट्रांसलेशन देखो कितना डिस्टेंस आगे आ जाएगा। सर ये आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी आगे आ जाएगा या नहीं, हाँ जी, सिर्फ ट्रांसलेशन देखो। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन देखो। अगर ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हो तो बच्चों आप बताओ ये जो d है क्या ये v इंटू टी हो रहा है या नहीं, हाँ जी सर। क्या t की वैल्यू आपको देके रखी हुई है, हाँ जी सर, t की वैल्यू हमको देके रखी हुई है पाई अपॉन टू ओमेगा, पाई अपॉन टू ओमेगा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर।
अच्छा एक बात बताओ, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर लिख सकता हूं। सब सिर्फ ट्रांसलेशन देख रहे हैं, मैंने कहा हो तो रोटेशन रहा है ना, ओमेगा को v के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर से। हाँ सर कर दो। तो बेटा v इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा को क्या कर दूंगा बेटा, v बाय आर कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? हाँ या ना? हाँ जी सर कर दीजिए। तो आप देखो, अगर बेटा v से v कैंसिल हो गया, पाई आर बाय 2 डी आ गया या नहीं आ गया? आराम से d इज इक्वल्स टू पाई आर बाय 2 आया। हाँ या ना? साइड पटक दो काम आएगा, साइड पटक दो काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसलेशन खत्म, ट्रांसलेशन खत्म, रोटेशन पे आओ। पॉइंट पी कहां था? सर जी ये ओमेगा से घूम रहा है ना, ये गिवन है आपको, ओमेगा से घूम रहा है। पॉइंट पी कहां था? पॉइंट पी की इनिशियल पोजीशन को मार्क कीजिए। सर पॉइंट पी यहां पे लिया था हमने, राइट और रॉन्ग। तो टी टाइम बाद कुछ भी एक एंगल घूमेगा या नहीं घूमेगा थीटा, मान लो अभी के लिए मान लो पी यहां पे था, टी टाइम में कुछ एंगल घूमा थीटा और पी डैश यहां पर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ रोटेशन देखना है, सिर्फ रोटेशन, रोटेशनल मोशन देखो। सिर्फ रोटेशनल मोशन देखो, रोटेशनल मोशन में बेटा जो एंगल होता है क्या वो ओमेगा इंटू टी होता है? हाँ जी सर होता है। ओमेगा टाइम कितना देके रखा है? सर पाई अपॉन 2 ओमेगा। अगर टाइम पाई अपॉन 2 ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा उचका, टी टाइम में एंगल कितना घूमा? सर पाई बाय 2 घूमा। ओ भाई साहब, टी टाइम में एंगल पाई बाय 2 घूमा, यानी एक्चुअल पोजिशन ऑफ पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी यहां पर होगी या नहीं होगी? हाँ एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट पी यहां पर होगी या नहीं होगी, आप बताइए हाँ या ना? हाँ यार सर होगी, पक्की बात है एकदम, फटाक से बताइए पक्की बात हाँ या ना? पक्की बात? अब समझो एक्चुअल क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ट्रांसलेशन देख लिया, रोटेशन देख लिया, अब लोलिंग मोशन देखेंगे। अब लोलिंग यानी कि कंबाइंड बोले तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एक साथ देखेंगे। आइए अब ट्रांसलेशन अलग देख लिया, रोटेशन अलग देख लिया, एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट पी है टी टाइम में यहां गया हुआ है और एग्जैक्ट टी टाइम में ये पीछे भी आया हुआ है, तो एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉइंट पी यहां से यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? हाँ जी सर, जो एक्चुअल पोजिशन है वो यहां से यहां की पहुंच गई है पी डैश की। तो एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है वो कितना हुआ बेटा? सर ये यहां से यहां तक, आराम से देखना, यहां से यहां तक एक मिनट, इतना चला और इतना पीछे आया या नहीं? हां या ना? पहले बताइए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना चला? एक्स डायरेक्शन में ये चला और वाई डायरेक्शन में यहां पहुंचा, हां या ना? एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ये कितना है यहां से यहां तक? ये कितना है? आर है। यहां से यहां तक ये कितना है? सर ये है आपका पाई आर बाय 2। तो एक्चुअल में एक्स में कितना चला? पाई आर बाय 2 माइनस ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में इतना चला, y डायरेक्शन में r के बराबर ऊपर पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चला है तो यहां से 90 डिग्री चलेगा तो यहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? हां या ना? हां सर
तो अब मेरे को एक बात बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखने जा रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखने जा रहा हूं, तो अब आप बताओ मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है। ये आ रहा है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, वेक्टर ने बोला चिपका दे सैया, कैसे फेविकॉल से पाई आर बाई टू आगे गया, पाई आर बाई टू आगे गया, पीछे आर आ गया आई कैप में, प्लस जे कैप में आर ऊपर गया। ये लो जी जनाब, मेरे को बताओ बेटा क्या टफ है इसमें, किसको डर लग रहा है, है किसके पांव थरथरा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं लोलिंग मोशन, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, बताइए बताइए बताइए। यूनिट लिखनी है, पाई बाई टू रेडियन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये लो भाई, जो भी है पाई आर बाई टू, जो भी आपकी यूनिट होगी, कोई दिक्कत। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं, सर यहां तो आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन ली, मैं आपको बस फील करवाना चाह रहा था कि भाई लोलिंग मोशन क्या होता है ना, मैं आपको फील करवा रहा था लोलिंग मोशन होता क्या है। सिंपल सी चीज है यार, एक ट्रांसलेशन देखो, रोटेशन देखो, दोनों का मिलन करवा दो, और कितनी बड़ी बात है ना, सौभाग्य का काम कर रहे हो, दो लोगों का मिलन कराना, एक ट्रांसलेशन का एक रोटेशन का, और क्या चाहिए बेटा जिंदगी में आपको, है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या सर, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा भाग्य का काम आप लोग कर रहे हो। चलिए, सौभाग्य का काम। अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं, इन जनरल एकदम कुछ एंगल दे दे, कुछ टाइम दे दे, कुछ ओमेगा दे दे, एकदम जनरल अगर मेरे को लिखना है, तो कैसे देखूंगा लोलिंग मोशन को। आइए, सुनना, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है, आराम से देखिएगा, परफेक्ट, सुनिए, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो क्या ये कुछ वी से आगे जा रहा होगा। हाँ जी सर, ये कुछ वी से आगे जा रहा होगा। क्या ये कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा, घूम कहीं भी सकता है, इधर घूमे उधर घूमे, हमको क्या, हम अभी ऐसा घुमा के समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये भी सही है, ये इसका कुछ सेंटर ऑफ मास है। इन टाइम टी आपको कोई भी एक पॉइंट को एनालाइज करिए। चलिए पहले पी लिया था, ये लो अभी यही यही पी लो फिर से, आराम से देखो, आपको नहीं लगता कि इन टाइम टी ये पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा। हाँ या ना, ये जो P है P डैश हो जाएगा। T टाइम में सिर्फ ट्रांसलेशन देखूंगा तो पॉइंट P यहां से यहां पहुंच जाएगा या नहीं। हाँ या ना, हाँ जी सर पहुंच जाएगा। अगर पॉइंट P यहां से यहां पहुंच गया तो आप बताओ बेटा कितना चला, आराम से आप बताओ कितना चला, ये कितना चला सर, डिस्टेंस चले हैं भाई साहब v इंटू टी, इतना ही डिस्टेंस चला या नहीं चला। बहुत बढ़िया, अभी काम की बात सुनो, अभी अभी काम की बात सुनो, ठीक है सर, आपने कहा हमने मान लिया इतना डिस्टेंस चला, एट द सेम टाइम टी आपका पॉइंट पी रोटेशन कितना कर रहा होगा, सुनना, यहां से यहां तक पॉइंट पी आपका रोटेशन कितना कर रहा होगा, मान लो यहां से, आराम से यहां से, मान लो अभी के लिए यहां से यहां तक कुछ थीटा एंगल चल दिए भाई साहब, कितना चल दिए बेटा, लेट्स से थीटा एंगल, इन टाइम टी कुछ थीटा एंगल चल दिया, ये थीटा कितना होगा आप खुद बताएंगे बेटा, सर ये थीटा होगा, सर ये जो थीटा है ये हो जाएगा, अभी लिखना नहीं, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। हाँ हाँ सर, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अगर ऐसा है, काम की चीज सुनो, अगर ऐसा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, आर साइन थीटा होगी या नहीं होगी,
जल्दी से बताइए हाँ या ना, आर साइन थीटा होगी या नहीं, हाँ या ना। आर साइन थीटा होगी या नहीं, पक से बताएंगे हाँ या। अरे मेरे भाई ये डिस्टेंस कितनी है ये वाली, सर ये वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में सर ये आर है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, पल्पेंडिकुलर हो जाएगा। और लगा ये पल्पेंडिकुलर हो गया, ये आर है तो ये पल्पेंडिकुलर आर साइन थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। आर साइन थीटा होगा या नहीं होगा, पक्के से बताओ। पक्का एकदम होगा या नहीं होगा आर साइन थीटा, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आपसे ये नहीं, ये तो था ही, एक और है, आप मेरे को ये बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ लप से। जल्दी बताओ, समय की बहुत अभाव है, मेरे को बहुत कसके फिजिक्स आ रही है आज, जल्दी बताइए कितना होगा, सोचो ये सोचो, ये वाला इतना आर साइन थीटा था, ये वाला आर साइन थीटा था, आराम से ये आपका आर साइन थीटा है, तो ये वाला आर कॉस थीटा होगा। अगर ये आर कॉस थीटा है, ये टोटल आर है, तो ये बचा हुआ, ये जो बचा हुआ है आर माइनस आर कॉस थीटा होगा, हाँ या ना। आर माइनस आर कॉस थीटा होगा, हाँ या ना। आर माइनस आर कॉस थीटा होगा या नहीं, बस खत्म रे। आपका पॉइंट यहां से इतना आगे आया और इतना ऊपर गया या नहीं, टोटल वीटी आगे आया आर साइन थीटा पीछे, और ऊपर गया आर माइनस आर कॉस थीटा, फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट पी डैश आपकी ये हो गई। आप बताइए बेटा, देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये हो रहा है वीटी, माइनस कर देंगे आर साइन थीटा, वीटी माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस, ऊपर कितना जा रहा है सर, आर माइनस ऊपर जा रहा है आर माइनस आर कॉस थीटा जे कैप, बोलो जय श्री राम, कोई दिक्कत, और जमा के लिखना है जमा के लिख ले मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विट्टी माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा जे कैप, पूरा फील आया या नहीं आया ये बता, एकदम मतलब दिमाग में चिपक जाना चाहिए कि लोलिंग हो रहा है, हाँ या ना। क्या टफ था, ट्रिग्नोमेट्री खेल रहे हैं, बचपन में पढ़ाई थी, याद करो अपना बेटा है प्रिपरेशन का बचपन, अब तो जवानी में आ गए, अब मजा आएगा आपको थोड़ा सा है। इज अनफ तंदीर, चप्पल मारूंगा उतार के, आर साइन थीटा रेडियस हुआ, कहां से हुआ बे आर साइन थीटा रेडियस है, कहां से हुआ आर साइन थीटा रेडियस, कहां से दिख रहा है तेरे को आर साइन थीटा रेडियस बे, ये इतना पार्ट छोड़ देगा, दिख रहा सामने, बनाया बनाना नहीं है हाथ से, आर साइन थीटा रेडियस होगा। अबे आर साइन थीटा अगर रेडियस होता, अगर पूरा रेडियस होता तो आर लिखता ना, इतना दिमाग, ये इतनी, ये जो इतनी जगह छोड़ रही है ये कहां गई, कहां गई, चटनी बना के खा लेना सवेरे, दिमाग सही हो जाएगा इतनी जगह का। सर ये जनरल एक्सप्रेशन कैसे हुआ बेटा, आप लोड ही मत लो, आप जब थीटा की वैल्यू और टाइम की वैल्यू रखोगे ना, ऑटोमेटिकली थीटा प्लस माइनस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, आप उसकी लोड मत लेना, ये थीटा वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, आप समझो, कुछ टाइम पे थीटा यहां था, फिर थीटा यहां हो गया, यहां यहां यहां,
बस ये ध्यान रखना है कि थीटा आपने कहां से लिया हुआ है। अगर वो पॉइंट पी यहां से दे देगा तो फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा, समझो। पॉइंट पी यहां से लेने पर थीटा आप नाप रहे हो, पॉइंट पी यहां से दे देगा तो थीटा कुछ और आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, है ना। थीटा का ध्यान रखना, थीटा इज वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है, वो अपने आप को संभाल लेगा, प्लस माइनस का लोड मत लेना यहां, जैसा एज इट इज। क्लियर है? हाँ, है ना। क्लियर है या नहीं है पक्के से बता देंगे। चलिए आइए, नाउ नाउ वी हैव टू लर्न वेलोसिटी इन रोलिंग। पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, वेलोसिटीज इन रोलिंग। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे वेलोसिटीज इन रोलिंग। चलो बच्चों, रोलिंग में वेलोसिटी देखनी है आपकी, क्या क्या कैसी कैसी होगी। सोचो सोचो सोचो, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा। सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे, सुन लेना आराम से पहले, सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद सिर्फ रोटेशन देखेंगे, हाँ या ना, उसके बाद रोटेशन देखेंगे और उसके बाद फिर कंबाइंड देखेंगे या नहीं देखेंगे। हाँ सर, बिल्कुल देखेंगे, सही बात है। पहले सिर्फ ट्रांसलेशन देख, पहले सिर्फ ट्रांसलेशन देख, फिर सिर्फ रोटेशनल देख, फिर क्या कर, दोनों को जोड़ दे और अब पूरा देख। समझा या नहीं समझा? हाँ सर, सुनो, जो कह रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास, अगर इसका सेंटर ऑफ मास V से चल रहा है, ये रिंग हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास VCM से चल रहा है या V से चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, सारे के सारे पॉइंट VCM या V से आगे जा रहे होंगे, हाँ या ना। सेम डायरेक्शन होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, सबके सबरे VCM से आगे जा रहे होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, सबके सबरे VCM से आगे जा रहे होंगे, राइट और रॉन्ग। अगर मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास V से आगे जा रहा है, तो सारे पॉइंट, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो ट्रांसलेशन के टाइम पे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है, वही बच्चों हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, दूसरे पेन से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, वही सारी की सारी वेलोसिटी होती है हर एक पॉइंट की, हां या ना। मैंने कहा एक रोलिंग मोशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास VCM से आगे जा रहा है, V से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर मेरे को ट्रांसलेशन मोशन देखना हुआ, तो हर एक पॉइंट इस बॉडी के ऊपर, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, हर एक पॉइंट इस बॉडी के ऊपर सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ आ रहा होगा। अभी मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ वेलोसिटी देख रहा हूं, ठीक। ओके सर, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, सुनिएगा, अगर ये मेरे लाल ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो देर आर सम सर्टेन पॉइंट्स, इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना। इस पॉइंट की टेंजेंशियल रहेगी, इस रोटेशन के कारण टेंजेंशियल आ रही होगी, यहां पर टेंजेंशियल आ रही होगी, यहां पर टेंजेंशियल आ रही होगी, आर ओमेगा, हाँ या ना। पहले आप ये बताइए, आर ओमेगा आ रही होगी, राइट और रॉन्ग?
इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रही होगी ड्यू टू रोटेशन, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रही होगी ड्यू टू रोटेशन, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रही होगी ड्यू टू रोटेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रही होगी। आती है सर्कुलर मोशन, पीछे वाली बातें याद है, वेलोसिटी प्रोफाइल बनवाना सिखाया था, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, फील करवाया था पूरा कि आर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आर के ऊपर डिपेंड करेगी, ओमेगा सबका सेम रहेगा, इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट ओमेगा से घूम रहे होंगे, लेकिन सबका आर अलग है तो उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग होगी, ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी तो सबकी वी रहने वाली है, दो वेलोसिटी आएंगी। याद आया पुरानी बातें, दो दिन तीन दिन पुरानी बातें हैं। हाँ सर, अगर ऐसा है तो जब मैं लोलिंग मोशन देखूंगा, जब मैं लोलिंग मोशन देख रहा हूंगा तो आप बताओ ये जो आपकी वेलोसिटी है बेटा इस पॉइंट की, वी की वेलोसिटी यहां पर होगी। हाँ सर, इसी पॉइंट की वी की वेलोसिटी ये भी होगी। हाँ जी सर, इसी पॉइंट की वी की वेलोसिटी ये भी होगी। हाँ जी सर, इसी पॉइंट की वी की वेलोसिटी ये भी होगी। मानते हो या नहीं, हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वी 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 सेम होगी या नहीं होगी। लोलिंग है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर देंगे या नहीं कर देंगे। आराम से ये वाली vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा, सुनिएगा, ये वाली vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हाँ जी सर हो जाएगी। ये वाली vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हाँ जी सर हो जाएगी। ये वाली vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हाँ जी सर हो जाएगी। और ये वाली vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हाँ या ना, लिख रहा हूं vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा, 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 होगी या नहीं होगी। हाँ या ना, पक्की बात। कुछ पॉइंट्स, अगर मैं प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट ओवर द बॉडी विल बी सेम। हाँ, और अगर स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट ओवर द बॉडी सेम है तो बच्चों देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कितनी होगी, हाफ ऑफ मास ऑफ बॉडी, नेट मास ऑफ बॉडी इनटू वी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, वी इज दिस स्पीड एंड एम इज टोटल मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण देख रहे हैं, ट्रांसलेशन में वी सेम होता है और ओमेगा तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है तो ओमेगा जीरो घूम कहां रही है। अगर रोटेशन हो रहा है तो हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा या नहीं होगा। हां या ना, हां या ना। हाँ जी सर, मतलब कि फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, सिर्फ रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन हो रहा है बच्चों, ओमेगा ऑफ ईच पॉइंट ओवर द बॉडी विल बी सेम। एकदम खोल के बता रहा हूं,
ओवर द बॉडी विल बी सेम। अगर ओमेगा सेम है तो बेटा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे या नहीं लिखोगे, ओमेगा सेम है इसका अब आई ले लेना, टोटल ऑब्जेक्ट का आई, यहां पे एम ले रहे थे यहां पे आई लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। हाँ मजे की बात देखो, आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा सर, डोंट वरी। सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा सबका सेम है, इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मेरे कहने का मतलब है v इज डिफरेंट फॉर एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के लिए बेटा v आपका अलग होने वाला है, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम है, ओमेगा तो सबका सेम है, तो बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसको सेम टाइम में सेम एंगल कवर करना है, रीजन बीइंग ओमेगा सेम है। समझो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, एंगल पर यूनिट टाइम, रेडियन पर सेकेंड। सारे के सारे पॉइंट अगर ये घूम रहा है तो हर एक पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल घूम रहा होगा, और हर एक पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल घूम रहा है तो आप मेरे को एक बात बताइएगा जनाब, अगर हर एक पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल, सेम टाइम में सेम एंगल घूम रहा है तो जो दूर का पॉइंट है जो सेम टाइम में सेम एंगल थीटा है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां आया, 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 बेटा इस वाले पॉइंट ए बी सी डी, ए को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है बी से, सी से और डी से, हाँ या ना, डी को सबसे कम डिस्टेंस चलना है लेकिन एंगल सेम कवर करना है, सब थीटा एंगल ही तो है, सारे के सारे थीटा एंगल ही तो है। अगर सारे के सारे थीटा एंगल है बेटा तो तू मेरे को बता, डी को सबसे कम डिस्टेंस चलना है, सी को उससे ज्यादा, बी को उससे ज्यादा, ए को सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात ये थीटा एंगल टी टाइम में कवर हो रहा है, ए को भी टी टाइम में चलना है, बी को भी टी टाइम में, सी को भी टी टाइम में, डी को भी टी टाइम में, सबके लिए टाइम सेम है तो ए वाले को ज्यादा भागना पड़ेगा तेजी से, हां या ना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ d, अगर देखोगे a की सबसे ज्यादा होगी, b की उससे कम, c सी और d की सबसे कम होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यही चीज मैं दो दिन पहले तीन दिन पहले भी आपको समझा रखा हूं, राइट और रॉन्ग, हाँ। लेकिन इसके ऊपर अभी आते हैं वापस से, अभी एक बात बताओ, सोचो अगर मैं इसको कुछ पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, जैसे कि लेट्स से इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो पॉइंट सी और इसको दे दो पॉइंट डी। पॉइंट डी पे दो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, पॉइंट बी पर दो वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है, और यहां पे दो वेलोसिटी का मिलन हो रहा है, इनका रिजल्टेंट ये आएगा और इसका रिजल्टेंट ये आएगा, जो भी हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो इक्वली होने वाले हैं, हाँ। अरे बाबू, ओ बाबू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, इसका भी वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ सर। अच्छा अगर ऐसा है तो आप बताओ एक ही स्पीड सबसे ज्यादा होगी, डी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, डी की स्पीड वी प्लस आर ओमेगा सबसे ज्यादा होगी, ए की इक्वल्स टू सी होगी और सबसे कम बी की होगी,
हाँ या ना? सबसे कम वी की होगी, हाँ या ना? आप बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? इसकी नेट कितनी हो जाएगी? वी माइनस वी टी, इसकी वी प्लस वी टी। कोई दिक्कत? मैं रुकूंगा 30 सेकेंड, आप लोग मेरे को बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। जब रोटेशन हो रहा है, सुनना, जब रोटेशन हो रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताइए? जब रोटेशन हो रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? रोटेशन हो रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और जब रोलिंग मोशन हो रहा है, जब रोलिंग मोशन हो रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास वी होगा या नहीं होगा? आप बताइए हाँ या ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। मतलब क्या है सर? सोचो 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 सोचो, इसका मतलब क्या है? इसका अपना मजा है, इसका मतलब समझिए। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो आपको सिर्फ घूमता हुआ दिख रहा होगा या नहीं? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में खुद की कोई वेलोसिटी होगी क्या घूमने वाली? बताइए, सोचिए 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 सोचिए, हाँ या ना? चलो एक चीज और समझाता हूं आपको, थोड़ा सा डेप्थ में चलता हूं, थोड़ा सा डेप्थ में चलता हूं। चलिए, ये जो मैंने आपको फील दिया था, ये जो मैंने आपको फील दिया था, इसको एक्सप्लेन करता हूं वाया फॉर्मूला। हालांकि नहीं बताने वाला था, लेकिन चलिए थोड़ा सा डेप्थ में आता हूं। एक्सप्लेनेशन वाया फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन वाया फॉर्मूला, सुनना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी with respect to ground minus of displacement of center of mass with respect to ground लिखेंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो displacement of point P with respect to, यहां से displacement of point P with respect to ground क्या आ रहा है? Displacement of point P with respect to center of mass plus displacement of center of mass with respect to ground, यही आ रहा है या नहीं? तुम भी क्या याद रखोगे, चलो आप फील देता हूं, यही आ रहा है। सुनो, पी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना था, हाँ या ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी कितना चला, ये चीज यही बता रही है या नहीं, हाँ या ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी कितना चला, यही बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हां सर बता रहा। ये क्या, एक एक करके देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बता रहा है? क्या ट्रांसलेशनल मोशन बता रहा है या नहीं? क्या बता रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कितना चला? बाबू भैया, ये आपको क्या बता रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन बता रहा है या नहीं? इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कितना चला, हाय बाबू ये क्या बता रहा है? आराम से, ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ और पी को देखो कितना चल रहा है। सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे, पी को देखोगे तो सिर्फ क्या पी घूमता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? पी सिर्फ और सिर्फ घूमता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? हाँ जी सर। क्या बता रहा है? रोटेशनल मोशन, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पी कितना चला,
रोटेशनल मोशन म्हणजे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी कितना चला। हाँ या ना, अच्छे से देखो ये क्या है। सर ये है आपका लोलिंग मोशन, लोलिंग मोशन, लोलिंग मोशन, लोलिंग मोशन, लोलिंग मोशन क्या रिजल्टेंट है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का। अरे कहीं से देख, पूरा पोस्टमार्टम करके रखने वाला हूं आज मैं पूरे लेक्चर का। बताइए भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बताओ यार, अभी देखो इसको, अभी देखो, अभी देखो पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ड्यूरिंग लोलिंग मोशन क्या होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ड्यूरिंग लोलिंग मोशन क्या होगा बताइए। अभी तो चालू हुआ है लेक्चर, अब मजा आना चालू होगी, अब देखना है। चलिए प्योर रोलिंग क्या होता है, एक छोटा सा, एक 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 बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देके समझाता हूं बेटा कि प्योर रोलिंग क्या होता है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग होता है, प्योर रोलिंग उस रोलिंग मोशन का नाम है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग क्या है? प्योर रोलिंग, रोटेशन नहीं, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग उसका नाम है जब आपका, जब v इज इक्वल्स टू vt, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाता है। रोलिंग मोशन का मतलब है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो हमेशा रेस्ट पर रहता है। सुनिए, पॉइंट ऐसे ही डिफाइन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट। रेस्ट इधर पे एक स्टार लगा रहा हूं, ये स्टार की अपनी कीमत है, ये कल समझाऊंगा। रेस्ट पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए। अब इसकी बात कल करूंगा, अभी बस इतना सुनो, अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है, ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए या नहीं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोलिंग। राम का नाम राम क्यों है? क्योंकि उसका नाम राम रखा गया इसलिए उसका नाम राम है। रहीम का नाम रहीम क्यों है? क्योंकि उसका नाम रहीम रखा गया इसलिए उसका नाम रहीम है। सुरजीत का नाम सुरजीत क्यों है? क्योंकि उसका नाम सुरजीत रखा गया इसलिए उसका नाम सुरजीत है। रेखा का नाम रेखा क्यों है? क्योंकि उसका नाम रखा गया इसका नाम प्योर रोलिंग क्या है। नाम से क्या करना, कॉन्सेप्ट समझो ना। इसका नाम प्योर रोलिंग रखा गया इस कॉन्सेप्ट का। जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पर है स्टार, रेस्ट की बात कल समझाऊंगा, रेस्ट पर है स्टार, स्टार लगाया है उसकी बातें कल समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसकी नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर क्लियर है। आओ बवाल क्वेश्चन अभी ताजा ताजा बनाया आप लोगों के लिए, आइए। Write down the net velocity of each point. अपना मजा है भाई, आइए।
पूरा पन्ना ले लेना, एक कोई कंजूसी नहीं करना, नहीं अन्ना पन्ना चन्ना हो जाएगा बेटा पूरा। पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लो। आओ पहले तो मैं बता देता हूं, बड़ी वाली रेडियस r है, इसकी रेडियस r बाय 3 है, इसकी रेडियस r बाय 2 है। तीन सर्कल है, एक की रेडियस r है, एक की r बाय 3 है, एक की r बाय 2 है। लिख दे रहा हूं, रेडियस r है, r बाय 2 है, r बाय 3 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कैसे कहीं किया मैंने ये। एक की रेडियस r ले लो, एक की r बाय 2 ले लो और एक की r बाय 3 ले लो। ठीक है, r बाय 2 r बाय 3 ले लो। ठीक है, ये है r, ये है r बाय 2 और ये जो बच रही है बेटा ये है r बाय 3। समझ गए, यह है r, यह है r बाय 2 और यह है r बाय 3। समझ गया या नहीं, तीन रेडियस है। ठीक है, पॉइंट देखो, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी बता रहा हूं मैं, डोंट वरी, सब बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर 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 ये v से आगे जा रहा है, अगर ये v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तीन रेडियस है, वी से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको बताना है इन 12 पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ दिस 12 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बताइए 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 बताइए। सुनिए आराम से देखो, सर अगर, सर अगर 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 ये V से आगे, इसका सेंटर ऑफ मास V से आगे जा रहा है, तो इस पर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, है ना, 12 के 12 पॉइंट V से आगे की तरफ जा रहे होंगे, हाँ या ना, 12 के 12 पॉइंट V से आगे की तरफ जा रहे होंगे, राइट और रॉन्ग, 12 के 12 पॉइंट V से आगे की तरफ जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे। लोलिंग मोशन को देख के तुम लोग गाना गा रहे होंगे अभी इस लेक्चर के बाद, देख के वापस यहाँ आओगे। समझे या नहीं समझे? हाँ सर, हर एक पॉइंट V से आगे की तरफ, हर एक पॉइंट V से आगे की तरफ, हर एक पॉइंट सर V से आगे की तरफ जा रहा होगा। पक्की बात? क्यों भाई, ट्रांसलेशन देखो ना, अकेला ट्रांसलेशन देखना है तो V की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कितने पॉइंट ले लो,
भैया जितने के जितने पॉइंट है सारे के सारे बी से आगे की तरफ आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? हाँ सर आ रहे होंगे। अभी देखो मजे, अभी देखो मजे, सबसे पहले सबसे बाहर वाला सर्कल देखने जा रहा हूं, सबसे पहले सबसे बाहर वाला सर्कल देखने जा रहा हूं। सुनिएगा, आपको देके रखा हुआ है प्योर रोलिंग हो रही है, मान लो प्योर रोलिंग हो रही है, दे दिया है प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है या नहीं होता है? हाँ सर, प्योर रोलिंग की कंडीशन V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अगर सबसे टॉप वाला पॉइंट देखूं तो ये आर ओमेगा से आगे जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट बेटा आर ओमेगा से नीचे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट बेटा आर ओमेगा से इधर आ रहा होगा, और ये वाला पॉइंट बेटा आर ओमेगा से इधर जा रहा होगा, हाँ या ना? आराम से देख लो, जा रहा होगा हाँ या ना? वी वी वी, हाँ जी सर, ये आर ओमेगा से आगे जा रहा होगा, ये आर ओमेगा से इधर आ रहा होगा, ये आर ओमेगा से इधर आ रहा होगा, और ये आर ओमेगा से इधर आ रहा होगा। मजे की बात तो ये है बेटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा है, हाँ या ना? प्योर रोलिंग की कंडीशन अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस पे रहना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो यही वाला है ना, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यही वाला है, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है या नहीं होता है? हाँ सर, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो बेटा इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर V प्लस आर ओमेगा, दैट इज नथिंग बट V प्लस V, बोले तो बेटा 2V। इसकी नेट वेलोसिटी सर V माइनस आर ओमेगा, इसका मतलब बेटा V माइनस V जीरो, देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया या नहीं आ गया। आर ओमेगा भी बेटा V ही है, आर ओमेगा बेटा V ही है, तो आप बताओ मेरे को, आप बताओ इसकी जो नेट आएगी रूट टू वी आएगी या नहीं आएगी? V और V की नेट रूट टू वी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और V और V की नेट रूट टू वी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, नेट हा या ना? 45 डिग्री के एंगल पे रूट टू वी हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी सर, बाहर वाला सर्कल कंप्लीट। अंदर आते हैं, सुनिएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? सर ये r बाय टू है, r r बाय टू r बाय थ्री, ये r बाय टू है। अगर ये r बाय टू है तो ये ओमेगा से अगर घूम रहा है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, r की वैल्यू r बाय टू, तो ओमेगा r बाय टू का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना भाई, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, r की वैल्यू r बाय टू है, तो r ओमेगा बाय टू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो v से कम आ रही है या नहीं, थोड़ा छोटा एरो बनाऊ, v से कम आ रहा है तो थोड़ा छोटा एरो बनाऊ, यहाँ पे कम आ रहा है तो थोड़ा सा छोटा एरो बनाऊ, यहाँ पे कम आ रहा है तो थोड़ा सा छोटा एरो बनाऊ, यहाँ पे कम आ रहा है तो, हाँ सर कितना आ रहा है बेटा? सर ये आ रहा है r ओमेगा बाय टू, ये आ रहा है सर r ओमेगा बाय टू, ये आ रहा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय मिस्टेक, गलती से गलती हो गया साहब, लेन चेंज हो गई हमारी, लेन चेंज हो गई, r ओमेगा बाय लेन चेंज हो गई है, ये आ रहा है r ओमेगा बाय टू और ये आ रहा है आर ओमेगा बाय टू, अभी भारी मिस्टेक हुई जाता है, लेन चेंज हो जाती है ना, चलते चलते पता नहीं लगता लेन चेंज कब होगी, है? ये आ रहा है बेटा आर ओमेगा बाय टू, ये आ रहा है बेटा आर ओमेगा बाय टू, ये आ रहा है बच्चे आर ओमेगा बाय टू, राइट और रॉन्ग? तो बेटा इसकी नेट कितनी हो जाएगी आप बताइए, ये अगर आर ओमेगा बाय टू आ रहा है, आर ओमेगा बाय टू आ रहा है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा? आर ओमेगा तो वी है, वी प्लस वी बाय टू,
थ्री वी बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा v माइनस वी बाई टू इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v बाई टू हो जाएगी या नहीं, ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। इनका निकाल लोगे रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी बाई टू का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी बाई टू का होल स्क्वायर, इलेवन वी स्क्वायर बाई नाइन, रूट ओवर ऑफ इलेवन बाई नाइन वी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हाँ जी सर आ रहा होगा। अगर मैं, अगर मैं अंदर आता हूं, कम इनसाइड, बेटा ये कितनी है आर बाय थ्री है, तो ये आर ओमेगा बाय थ्री और छोटा हो जाएगा, ये आर ओमेगा बाय थ्री और छोटा हो जाएगा, ये आर ओमेगा बाय थ्री और छोटा हो जाएगा, ये आर ओमेगा बाय थ्री और छोटा हो जाएगा, कहो हाँ, हाँ या ना, आर ओमेगा बाय थ्री, 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 हाँ या ना। तो अब आप बताइए बेटा इसका नेट कितना आ रहा है, v प्लस v बाय थ्री, फोर वी बाय थ्री आ रहा है या नहीं, फोर वी बाय थ्री इस डायरेक्शन में आ रहा है, वी माइनस वी बाय थ्री, वी माइनस वी बाय थ्री कितना हो जाएगा आप बताइए, टू वी बाय थ्री, टू वी बाय थ्री इस डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ या ना, टू वी बाय थ्री इसका कितना हो जाएगा सर, वी स्क्वायर प्लस वी बाय थ्री का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी बाय थ्री का होल स्क्वायर, खेल लोगे या नहीं बताइए भाई, मजा आया या नहीं आया? ऐसे किसी भी पॉइंट की अगर नेट वेलोसिटी लिखने बोल दे तो लिख लेंगे चाहे वो कितनी भी दूर हो, हाँ या ना, लिख देंगे चाहे वो कितनी भी दूर हो, हाँ या ना। सर ये तो बहुत जनरलाइज्ड पॉइंट हुए, ये तो बहुत जनरलाइज पॉइंट हुए, कोई पॉइंट अगर इधर हुआ तो क्या होगा, इधर हुआ तो क्या होगा, इधर हुआ तो क्या होगा, उसकी कैसे लिखोगे, v तो हम लगा देंगे r ओमेगा आ जाएगा, लेकिन उसका वेक्टर सम कैसे करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है आज, लोड नहीं लेना किसी चीज का, सोचो ना सर ये तो नॉर्मल थे या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 180 का बन रहा है या जीरो का बन रहा है, तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर रहे हो, 90 डिग्री का वेक्टर हो रहा है इक्वल है, आप रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हो क्योंकि कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है दो वैक्टर का, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 90 हो रहा है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बहुत आराम से खेल ले रहे हो। अगर कोई यहां पर हुआ पॉइंट, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, ये तो आपने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट क्या लिखकर बताए, तो कैसे करोगे, लिखवा क्या रखा हुआ है, टू वी साइन थीटा बाई टू या फिर टू वी कॉस थीटा बाई टू, पहले अपन ने सॉल्व करके पहले अपन ने सॉल्व करके रखा है टू वी साइन थीटा बाई टू या टू वी कॉस थीटा बाई टू, सर कॉस थीटा बाई टू तो आपने बताया नहीं क्योंकि मैंने कभी एंगल चेंज किया ही नहीं, या तो आप 2b sin theta by 2 लगा लो या 2b cos theta by 2 लगा लो, लेकिन पता रहना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हाँ या ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, हाँ सर ये वेलोसिटी इन रोलिंग तो मेरे को समझ आया, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा कम समझ आया, मैंने कहा रुक जा आराम से, इन जनरल आराम से देख, आराम से इन जनरल, दो केस होते हैं, मजा लो यार तुम भी क्या याद रखोगे, यहां चीजें खत्म करवा दी जाती है वहां से तो मैं कल चालू करूंगा लेक्चर, केस वन केस टू, आराम से लेट्स से दो केस में लेने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, ये v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, मान लो ठीक है, मैंने क्या कहा, ये v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है,
किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पैंदा, इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखो, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी लिखो। सर ये कैसे लिखेंगे यार? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात। आराम से सुनिएगा, पूरा खेल यहीं हो जाएगा। छोटी छोटी, अभी आगे इतना शानदार कंटेंट आपको दूंगा ना, आप बस अगर आपके दिमाग में डेटा रह गया, एक वैल्यू निकलवाऊंगा गामा, अगर आपको ये गामा की वैल्यू आती है तो आप सब खेल चले जाओगे। और इतना सही, आज सुबह से 3 घंटे बैठा हूं मैं, एक्चुअली मेरी लास्ट ईयर की पीपीटी नहीं मिल रही थी, तो मैंने लास्ट ईयर के नोट्स एक बच्चे से बुलवाए, मैंने कहा लास्ट ईयर कैसा पढ़ाया था देखूं, इस बार उससे ज्यादा पढ़ाना है। तो मैंने देखा कि नहीं यार, कंटेंट में कमी थी लास्ट ईयर, तो बहुत भयंकर कुछ आज आपके लिए बना के लाया हूं, अभी आप बस देखते जाना। लास्ट ईयर के कंटेंट को और रिफाइन किया, उसको और पोस्टमार्टम किया है, आइए देखते हैं। सुनिए आराम से, एकदम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता देखिए, थोड़ा सा पॉइंट इधर ले लूंगा तो कहीं भी ले लो, थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ सच दैट डायग्राम अच्छे से बने, और इसको ना मिटा के पीछे की तरफ लिख दे रहा हूँ, सो दैट आगे की तरफ जगह रहे। ये V से आगे जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, एक ही बात है। अब मेरे पास यहाँ लिखने के लिए थोड़ी जगह हो गई, इसलिए मैंने बच्चों ऐसा बनाया, ठीक है, ऑल राइट। अब सुनो, सुनो, अगर ये V से आगे जा रहा है, अगर ये V से आगे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी बेटा V से आगे जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट भी आपका V से आगे जाएगा। चलो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूं, आज की क्लास में कम से कम 60-70 क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, अभी और करेंगे, मतलब ये सब मिला के 70 क्वेश्चन करीब आज हो जाएंगे आपके। मैं सोचा था लास्ट में बताऊं लेकिन पहले ही बता देता हूं। सुनिए, हाँ सर, ये V से आगे जाएगा, पक्की बात, एकदम पक्की बात। क्या ये वाला पॉइंट R ओमेगा से इधर भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? डरना नहीं, मैं सब करवा दूंगा। ये वाला पॉइंट R ओमेगा से इधर भी आ रहा होगा या नहीं? हाँ सर, ये V से आगे जा रहा है, R ओमेगा से इधर आ रहा है, पक्का एकदम, और प्योर रोलिंग हो रही है। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या बेटा V इज इक्वल्स टू R ओमेगा होगा या नहीं होगा? हाँ सर, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो V इज इक्वल्स टू R ओमेगा होगा, इसी को V लिख दो। हाँ सर, V लिख देते हैं। अभी सुनना, अगर मैं कहूं, लेट्स से अगर मैं कहूं ये वाला एंगल थीटा है, यहां से यहां पॉइंट थीटा एंगल चला, एरो देख लेना बेटा कहां से चल रहा है, यही पूरा खेल कर देगा। अगर यहां से यहां पॉइंट थीटा एंगल चला, सोचो आराम से, ठीक है सर आपने कहा, हमने मान लिया थीटा एंगल चला, यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं, देखिएगा, पैरेलल टू डायमीटर। अभी सुन, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा? हाँ सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल। रेडियस से टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है या नहीं बनाती है? हाँ जी सर, रेडियस से टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और उसमें ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये जो वर्टिकल लाइन है इससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल जो बचा हुआ V और V के बीच में थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं इस वाले एंगल को भी थीटा लिख दूं या नहीं लिख दूं, राइट और रॉन्ग? आराम से देखिए, इस वाले एंगल को भी वेक्टर में प्रूफ करा के रखा है, फिर से प्रूफ करा रहा हूं। हाँ यार सर, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, V और V के बीच का एंगल थीटा हो गया। अगर V और V के बीच का एंगल थीटा हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट टू बी ए, लेट्स से दिस पॉइंट टू बी ए, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा सर? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए वी कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। तो बेटा ये जो वी ए है, वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं टू वी स्क्वायर बाहर ले लूं, वन प्लस कॉस थीटा बच रहा है या नहीं बच रहा है? और वन प्लस कॉस थीटा को क्या कॉस टू, वन प्लस कॉस थीटा को क्या टू कॉस थीटा बाय टू लिख सकता हूं? टू कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू इसको लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो इसका जो पॉइंट ए आ जाएगा रिजल्टेंट रूट के बाहर, टू वी कॉस थीटा बाय टू आएगा, हाँ या ना? हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला बताऊं बेटा, उस उम्र के नहीं रहे आप। अब मेरी गलती नहीं है, सुनिएगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, कहता है सर आपने जो पढ़ाया सब समझ आ रहा है, सब बन रहा है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसको, मैंने लिटरली कुछ नहीं, मैसेज देख के इग्नोर कर दिया। रीजन बीइंग, मैं जब से कह रहा हूं जो चीज आप केजी वन से सीख कर आनी थी, अगर वो अभी तक नहीं सीखे तो मेरे बोलने से कहां सीख जाऊंगा? मैं तो भौंक ही रहा हूं बेटा पिछले पांच महीने से। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, हाँ या ना? अब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी थोड़ी ना गलती है बेटा। अब इसमें आप बोल रहे हो सर अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटा मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो पढ़ा दिया एक बार, बार बार यही। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ या मैथ्स पढ़ाऊँ यही नहीं समझ आता, इसलिए तो मैंने शुरू में मैथ्स पढ़ाई थी कि आगे जाके फिजिक्स पढ़ा सकूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए ना। चलिए अब मजे देखो, यहां की स्पीड हर बार जीरो आ रही थी और यहां की स्पीड हर बार टू भी आ रही थी, यहां की सबसे ज्यादा, यहां की सबसे कम, यहां की रूट टू भी आ रही थी या नहीं आ रही थी, हाँ या ना? तो मैं अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं। चलिए इसको मैं लिख देता हूं पॉइंट पी, इसको मैं लिख देता हूं पॉइंट क्यू, इसको मैं लिख देता हूं पॉइंट आर। अब मेरे को निकालना है बेटा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू और रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर। पी के ऊपर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी, क्यू के ऊपर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी और आर के ऊपर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रहेगी, यानी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इट्स द मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ जी सर। तो बेटा यहां से आपका वीपी कितना आ रहा है सर? कॉस 01, कॉस 01 यानी कॉस 0 बाई टू, कॉस 0 यानी 2 भी आ रहा है या नहीं? हाँ जी सर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू कितनी आ रही है सर? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू 90 डिग्री, कॉस 90 बाई 2, कॉस 45 रूट टू, टू बाय रूट टू, रूट टू भी आ रही है या नहीं? रूट टू भी आ रही है भाई। एंगल यहां से नाप रहे हो, ध्यान रखना थीटा पी के लिए 0 है, क्यू के लिए 90 डिग्री, आर के लिए 180 डिग्री, है ना? 180 कॉस 180 बाई 2, कॉस 90 यानी वेलोसिटी एट आर, कॉस 90 0, वेलोसिटी एट आर 0 आ रही है मेरे यार। मैच कर लो रिजल्ट, पूरा पोस्टमार्टम चलेगा बाबू भी आज, रख कर कहीं से गलती करके बता दो, गुंजाइश नहीं देने दूंगा। यहां की रूट टू भी आई थी, देखो ये था आपका, ये था आपका पॉइंट पी, पॉइंट पी की टू भी आई थी, क्यू की रूट टू भी आई थी और आर की जीरो आई थी, हाँ या ना? आई थी या नहीं आप बताइए, क्या रिजल्ट मैच कर गए राइट और रॉन्ग? क्या रिजल्ट मैच कर गए? अब मेन चीज क्या है? मेन चीज है एंगल आपने कहां से लिया, दिस इज योर मेन थिंग, दिस इज योर मेन थिंग। आप एंगल कहां से ले रहे हो? अगर एंगल लेने की पोजीशन चेंज हो गई तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, जैसे कि केस टू। अगर आप कॉस थीटा वाला केस यूज कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आप कॉस थीटा
टू वी कॉस थीटा बाय टू वाला रिजल्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो बेटा आप एंगल टॉप पॉइंट से लोगे, है ना। आप एंगल कहां से लोगे? टॉप पॉइंट से। अभी सुनो, लेट्स से आपको पॉइंट ए यहां पर आ गया, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको पॉइंट ए यहां पर आ गया, पॉइंट ए यहां पर आ गया। अगर पॉइंट ए यहां पर आया तो बेटा बहुत छोटी सी चीज, एक बात बताना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक मिनट दीजिए बस बना लूं थोड़ा अच्छे से। हाँ, अब देखिए अभी भी आपका ये वी से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, अभी भी वी से आगे जा रहा है और इसको इधर बनाता हूं ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब इस बार जो आप एंगल ले रहे हो बाबू भैया वो यहां से ले रहे हो थीटा, यहां से ले रहे हो थीटा। वी वेक्टर आपका क्या आएगा? सर वी वेक्टर तो हर पॉइंट का जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आएगा, यानी इस बार जो आपका टेंजेंशियल वेक्टर है इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रही होगी, हा या ना? इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रही होगी, हा या ना? ये है आपका v, ये है आपका r ओमेगा और प्योर रोलिंग की कंडीशन देके रखिए तो यही आपका v हो जाएगा। सो नाउ दिस टाइम एंगल बिटवीन वेक्टर ये कितना होगा? यार सर ये तो सोचने वाली बात है। सुनो दो तरीके, अगर आप दिमाग लगा पाओ तो दो तरीके। अगर ये पॉइंट P, सोचो अगर ये पॉइंट P यहां आ जाए, पॉइंट A अगर यहां आ जाता और ये वाला एंगल अगर थीटा दिया होता तो ये वाला एंगल 180 माइनस हमारा वाला थीटा होता, तो आप इसमें 180 थीटा की जगह 180 माइनस थीटा बाई टू रख के भी निकाल सकते हो। सोचो ना, सोचो 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 सोचो, अभी मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। ये वाला एंगल क्या होगा? सर 180 माइनस थीटा, हमको तो यहां से मतलब है ना, अगर हमको यहां से मतलब है तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा? आपका रिजल्ट बनेगा सर, आपका रिजल्ट बनेगा वी ए टू वी कॉस थीटा की जगह थीटा, यहां इधर से लिखना ये वाला थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं? 180 माइनस थीटा बाय टू ये हो जाएगा बेटा वी ए। अभी ये लिखना नहीं, मैं प्रूफ करवाऊंगा अलग से। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाय टू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट आना चाहिए या नहीं? अगर ऐसे, अगर आपकी गणित कमजोर है, डोंट वरी, अगर आपकी गणित कमजोर है तो बेटा बहुत छोटा वो एंगल निकालने की कोशिश करो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने की कोशिश करो, क्या होगा? सोचो 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 सोचो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने की कोशिश करिए क्या होगा। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप भी निकालने की कोशिश करिए आराम। यहां देखो ये वाला एंगल कितना 90, ये वाला एंगल कितना बेटा 90 बाबू भैया, बड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लो बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है। चलो आओ इधर आओ, अभी अच्छे से दिख रहा है, अभी गुड। इधर देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये 90, ये थीटा, ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, एक 90 माइनस थीटा है तो बेटा ये थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा हो गया तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा आप बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा आप बताइए, 180 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? 180 माइनस थीटा होगा या नहीं? फिर से ये 90 है, ये 90 हो गया, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये वाला जो एंगल बचा था ये थीटा आ गया, ये वाला पूरा 180 था तो ये 180 माइनस थीटा आ गया। लो भाई ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? सर ये वाला एंगल 180 माइनस ऑफ थीटा आया या नहीं आया, हाँ या ना?
अगर ये वाला एंगल 180, अब अच्छे से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से लिख दो, अगर ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा आया तो आराम से सोचो, आराम से, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ, ये वाला ए पॉइंट लिया था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, या तो आप यहाँ पे 180 माइनस थीटा रख के सॉल्व कर दो, या इसी में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देते, आ जाइए 2v cos of 180 माइनस थीटा बाय 2, ये हो रहा है आपका 2v cos of 90 माइनस थीटा बाय 2, तो यहाँ से बच्चे जो va आ रहा है 2v sin of 2v sin of थीटा बाय 2. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड. सर पॉइंट क्या है, सुनिए ये वाला पॉइंट क्या था बेटा आपका R, ये वाला पॉइंट क्या था बेटा आपका, ये था P, ये था Q. अभी भी निकालो P Q R निकालो, लेकिन एंगल चेंज होंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट Q, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R. इस बार बेटा एंगल यहां से नाप रहा है तो P के लिए 180 हो जाएगा या नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो आप बताओ सॉल्व करके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P 2v आ रही है, साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया, 2v आ रही है या नहीं, साइन 90 बाय 2, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q v बाय v रूट टू v आ रही है, और साइन 0 0, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट R अभी भी 0 आ रही है, मैच कर लो मेरे यार, आंसर सेम है, एंगल बस चेंज हुआ है, एंगल चेंज होने से फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज होने से मैथमेटिक्स चेंज होगी, फिजिक्स वही रहेगी बेटा, बताओ बाबा कोई दिक्कत, गरम है भाई माहौल, गरम है, बहुत गरम है, कोई दिक्कत बाबा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, पक्का एक एक बच्चे से पूछ रहा हूं, क्लियर है, आया ना, चलो क्वेश्चन है आपका, ये तो किसी काम का नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पाएंगे, जहां से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे आराम से, लेकिन पहले उसके पहले ये क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गिवन पॉइंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन. अभी तक जितना पढ़ा सब कंबाइन करवाने जा रहा हूं, ठीक है, ये V से आगे जा रहा है,
इसके पहले क्वेश्चन बताऊं, समझा देता हूं क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनाने जा रहा हूं मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट मिलाने जा रहा हूं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन आपको बताना है। अगर ये आपने बता दिया मतलब आप जंग जीत गए वेलोसिटी की। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास लेट से बेटा वी से आगे जा रहा है, और ये जो ऑरेंज वाला सर्कल है इसकी रेडियस आर है, ये ओमेगा से घूम रहा है। इसकी जो रेडियस है ये आपको गिवन है, इसकी जो रेडियस है ये आपको गिवन है बेटा आर, ठीक है। आपको 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 यहां से 60 डिग्री के ऊपर ये पॉइंट गिवन है, ये एक पॉइंट गिवन है। और लेट से ये जो पॉइंट की दूरी है, ये जो इट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस आर बाय टू ले लें, ये गिवन है, ठीक है। लिख दे रहा हूं इसकी रेडियस, इधर लिख रहा हूं ताकि इधर आप ड्रॉ कर सको। इसकी रेडियस आर बाय टू है। आपको बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट की नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सोचो। इजी है, जैसा बताया पहले ट्रांसलेशन वाला देखो, फिर रोटेशन वाला देखो, ट्रांसलेशनल और रोटेशन के बीच का एंगल निकालो और उनका रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकालो। मैं एक मिनट रुक जाऊंगा यहां पे, करिए। करिए लगाओ दिमाग। V से आगे जा रहा है, R ओमेगा बाय टू से ऊपर जा रहा है, यानी V बाय टू से ऊपर जा रहा है। प्योर रोलिंग है तो V इज इक्वल टू R ओमेगा होगा, तो V स्क्वायर प्लस V बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू V बाय टू कॉस। एंगल देखो क्या आ रहा है उसके बीच में, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, एंगल देखिए क्या आ रहा है। आइए 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 सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, रेडी। सुनिएगा, ये यहां से आगे की तरफ जा रहा होगा V से, हाँ या ना? हाँ जी सर, ये यहां से आगे की तरफ जा रहा होगा V से, एकदम पक्की बात। हाँ जी सर, और क्या ये यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा? टेंजेंशियल बनाना है तो थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, क्या ये यहां से इधर जा रहा होगा टेंजेंशियली? अभी ठीक है, हाँ या ना? ऐसा जा रहा होगा, V से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, और ये R by 2 है तो R ओमेगा by 2। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है, फॉर यहां पे प्योर रोलिंग नहीं दिया था क्या, लिख लेना प्योर रोलिंग है लिख लो, मैंने बोल दिया था प्योर रोलिंग का, लिखा नहीं, लिख दे रहा हूं।
अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो बच्चों आप बताओ, सिंस फॉर प्योर लोलिंग, अगर प्योर लोलिंग हो रही है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है या नहीं? हाँ जी सर, अगर आर ओमेगा v है तो आप बताओ बेटा ये v बाई टू हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। अब बस एक चीज रह गई है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा आप ये बता दो, बस काम हो जाएगा। देखो समझो, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है, ये वाला एंगल तो कितना हो गया सर, ये तो 90 डिग्री हो गया है ना। अच्छा, ये वाली लाइन के साथ हॉरिजेंटल कितना एंगल बना रही है सर, 60 डिग्री। तो बेटा ये 60 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? तो एंगल बिटवीन वी एंड वी डैश, एंगल बिटवीन वी एंड वी डैश 90 प्लस 60 हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना। देयरफॉर इफ दिस इज पॉइंट ए, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू वी इंटू वी बाई टू कॉस ऑफ, कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ 90 प्लस 60। कितनों की बत्ती जली, सही सही बताना कितनों की इक्वेशन बनी थी। ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं ये एकदम पेरिफेरी के लिए वैलिड हैं। जब अगर ये पॉइंट यहां होता या फिर ये पॉइंट यहां ऑरेंज वाले सर्कल पे होता तो पीछे वाले फॉर्मूले वैलिड थे। देखो मैंने कहा था ये वाले एक एक छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं रोटेशन का, इस वाले के लिए पेरिफेरी के लिए आर के लिए वैलिड है, और यहां पर अगर लिखना है तो ये आर ओमेगा बाई टू आर ओमेगा बाई थ्री, मैंने दोनों इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये बनाया। हाँ या ना, बस सॉल्व ही तो करना है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वी ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई फोर प्लस ऑफ वी स्क्वायर, अच्छा कॉस 90 प्लस 60 साइन 60 डिग्री। अब ये समझाऊं क्या, कॉस 90 प्लस 60, 90 से प्लस माइनस हो रहा है, कॉस का साइन में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कॉस नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कॉस नेगेटिव होगा तो यहां पर माइनस आएगा। हाँ या ना, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा या नहीं? हाँ जी सर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू ही तो बस लिखना है, क्या ही रह गया बेटा आपके जिंदगी में है? सर ये हो रहा है 5 वी स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ वी स्क्वायर, और बेटा साइन 60 रूट 3 बाय 2। ओहो, तो यहां पे एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो जो वी ए आएगा आराम से ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 5 वी स्क्वायर माइनस 3 टू रूट थ्री वी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। ये वी स्क्वायर बाय 4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच रहा है 5 माइनस 2 रूट 3, तो बेटा जो वी ए होगा v बाई टू बाहर हो जाएगा, अंदर बच रहा है 5 माइनस 2 रूट 3। हाँ या ना, ये हो जाएगी भाई वैल्यू। बताओ मजा आया, कैलकुलेशन में मजा आया, क्वेश्चन में मजा आया, कॉन्सेप्ट में मजा आया? हाँ या ना। r बाई टू था ना बाबू भी, आपने r कैसे लिया जब दे के रखा है इस वाले सर्कल की रेडियस r बाई टू है, तो मेरी थोड़ी ना गलती है, बकायदा लिख के रखा है r ये है r बाई टू ये है, ये वाला पॉइंट यहां से r बाई टू पर है ना, तो ओमेगा r बाई टू होगा या नहीं होगा वेलोसिटी? हाँ जी सर, पक्की बात बताइए, मजा आया या नहीं? हाँ या ना। आगे बढ़ा जाए,
चलो अब आने वाला है भैया असली मजा, अपने अपने पेटियों की कुर्सी बांध लीजिए, मतलब कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, हाँ जो भी है। अब देखो, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, यानी अगर एक बॉडी आपकी लोलिंग मोशन कर रही है तो आपको बताना है उस बॉडी का, आपको बताना है उस बॉडी का, आपको बताना है उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैंने कहा एक बॉडी लोलिंग मोशन कर रही है, वी से आगे जा रही है, ओमेगा से घुर 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 घूम रही है, वी से आगे जा रही है, ओमेगा से घूम रही है, इट्स अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका मास एम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। मैं वो आर आर नहीं लिख रहा हूं, रीजन बीइंग आप भूल जाओ आर आर, सुनो एक चीज समझा रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो रोटेशन पढ़ने में आगे का बहुत आसानी से होगा, क्योंकि मैं यही इसी बेसिक को पकड़ के चलूंगा, क्योंकि जनरल यहीं से पढ़ा पाऊंगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बोला, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, वो रिंग हो सकता है, रिंग या हॉलो सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्पीयर या हॉलो स्पीयर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऑब्जेक्ट का मास एम लिख रहा हूं और उसका आई लिख रहा हूं, डिस्क होगा तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, आई लिख दिया यानी उसका मास और रेडियस आपको पता होगा कुछ भी, या डायरेक्ट आई पता होगा, पक्की बात हाँ या ना। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की, रोलिंग ऑब्जेक्ट की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो जैसे ही रोलिंग वर्ड पकड़ा, एक तरफ ट्रांसलेशन एक तरफ रोटेशन पकड़ लो और दोनों को चिपका दो, एनर्जी स्केलर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा डरने की बेटा जरूरत ही नहीं है, सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, हाँ जी सर, इन प्योर रोलिंग करना है ना, प्योर प्योर रोलिंग की बात हो रही है, ठीक है, रखते अभी 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 ना, आप लोग मान के चलिए, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है, और जहां पर भी अभी आपको प्योर रोलिंग लगेगा तो आप समझ लेना V इज इक्वल टू आर ओमेगा आई है, हमेशा ध्यान रखो जैसे ही प्योर रोलिंग, मंत्र बना लो इसको, प्योर रोलिंग दिखा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा चिपकाना है, वो कहीं भी चिपका सकते हो। लेक्चर के बाद ये जो इतना भारी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, बस आज इसकी इज्जत होने, इज्जत रखने वाले हैं अपन, आइए। अगर आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो रोटेशन की अलग देखेंगे, ट्रांसलेशन की अलग देखेंगे, क्या मैंने आपको नहीं बता के रखा कि रोटेशन की कितनी होती है, ट्रांसलेशन की कितनी होती है, ट्रांसलेशन में ओमेगा होता ही नहीं है, रोटेशन में सबका भी अलग होता है, ओमेगा सबका सेम होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाती है आपकी रोटेशन की, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाती है आपकी, समझ गए होंगे, हाँ यार, हाँ जी सर, पक्की बात, जी सर, ये सेंटर ऑफ मास इसका आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन हाफ ऑफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस रोटेशन हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, हाँ या ना, मानते हो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अच्छा सुनो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग के लिए लिख रहा हूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकता हूं या नहीं, हाँ जी सर, इधर आइए, के टोटल हाफ ऑफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की जगह क्या लिख सकता हूं आप बताइए बेटा, आई की जगह, आई की जगह, आई की जगह
एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ जी सर, आई की जगह एम के स्क्वायर लिख दो। ओमेगा स्क्वायर की जगह वी सी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, हाफ ऑफ एम इंटू वी सी एम स्क्वायर, हाफ ऑफ एम इंटू वी सी एम स्क्वायर बाहर खींच लो। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हाफ ऑफ एम इंटू वी सी एम स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है सर? वन प्लस वन, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वन प्लस वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ जी सर, ये क्या है हाफ ऑफ एम बी सी एम का स्क्वायर? क्या ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? हाँ यार सर, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छे से देखना क्या करने जा रहा हूं। के ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय के टोटल, के ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय के टोटल क्या हो रहा है? वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले बस आप इतना बताइए, हाँ या ना? हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना बताओ। हाँ जी सर, हो रहा है। इसको ना घोट के पी जाओ और ऐसा पियो, हालांकि कल एबी के सर ने एक बात कही थी, क्या? इंसान के शरीर का एक स्वभाव होता है और वो स्वभाव ये होता है कि जो भी अंदर जाता है उसका बाहर आना अनिवार्य है, बाहर आता ही आता है, आपको उसको रोक कर रखना सीखना है। कल कहा था सर ने, इस चीज को अपने अंदर रोक कर रख लो अगर आपको रोटेशन पढ़ना है आगे का। तो अगर ये चीज आपके दिमाग से बाहर निकली तो समझ जाओ रोटेशन बाहर निकल जाएगा। ये एक्सप्रेशन अगर आपके दिमाग से, पूरा रोटेशन इसके अंदर समाया हुआ है, मेरी बात मान लो, मैं कह रहा हूं बार बार यहीं पर आऊंगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इसमें अभी रोलिंग मोशन के बनाने वाले हैं, आइए देखते हैं। मैं क्या करता हूं बच्चों, आराम से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है यार सर? ये मैं इसको एक अनोखा वर्ड, कुछ भी बोल देता हूं, कुछ भी कह सकता हूं मैं इसको, ये अननोन है, गामा कह दिया, चलो ये अननोन है गामा, लेकिन ये क्या बता रहा है गामा मेरे मामा? गामा बता रहा है रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। गामा क्या बता रहा है? गामा बता रहा है बेटा रेशियो ऑफ टोटल ट्रांसलेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता रहा है, हाँ या ना? हाँ यार सर, ये तो बता रहा है, पक्की बात एकदम, कोई दिक्कत। यानी कि गामा इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन समझो गामा क्या बता रहा है। गामा बता रहा है भाई आपके नंबर आते हैं 10 में से 8, यानी आपके नंबर को मैंने गामा कह दिया। गामा क्या बता रहा है? टोटल में से 8 नंबर आए, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी में से 8 की जो है वो ट्रांसलेशन में है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में से 8 की जो एनर्जी है, 10 में से 8 सिर्फ ट्रांसलेशन में है, दो कहां होगी? 1 माइनस गामा कहां होगी बच्ची कुची? 2, 10 माइनस 8 बच्ची कुची 2 कहां होगी? 2 होगी आपकी रोटेशन में। अगर 8 आपकी ट्रांसलेशन में है तो बची हुई 2 रोटेशन में होगी या नहीं होगी? क्योंकि टोटल जो बन रही है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन से मिलकर बन रही है या नहीं बन रही है? पक्की बात सर, ये तो समझ आया।
तो सुनो 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 सुनो, बहुत आराम से सुनो। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा गामा क्या है, वन माइनस गामा क्या है, सब लिखवाऊंगा, लेकिन अभी बस थोड़ी थोड़ी चीजें समझते हुए चलो। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, बहुत आराम से देखना, क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं जो के जो के ट्रांसलेशन है, जो के ट्रांसलेशन है वो गामा टाइम्स के टोटल है। हाँ यार, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इधर ऊपर लिखता हूं यार, अच्छा लगेगा, नीचे रोटेशन लिख देता हूं। एक तो ना मेरे को जमा के लिखने की कुछ ज्यादा आदत है। इधर आइए, ये जो आपका के ट्रांसलेशन है एक गामा टाइम्स ऑफ के टोटल है। हाँ यार, हाँ जी सर। अच्छा एक बात और बताओ, यहीं से ये जो के रोटेशन है, पोस्टमार्टम कर रहा हूं अच्छे से देखना, के रोटेशन क्या होगा आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी ना, रोटेशन कितनी होगी, वन माइनस गामा टाइम्स ऑफ के टोटल होगी या नहीं होगी, वन माइनस गामा टाइम्स ऑफ के टोटल होगी, हाँ या ना? हाँ सर होगी। तो के ट्रांसलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? सर के ट्रांसलेशन को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एम वी सी एम स्क्वायर गामा टाइम्स ऑफ के टोटल। और के रोटेशन को क्या मैं लिख सकता हूं? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ के टोटल। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, सुन, क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, 20 क्वेश्चन बता रहा हूं कम से कम, सुन, अब 20 तो नहीं, 6 × 12 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, 12 क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन बोलेगा आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, अभी गामा की बात करेंगे, गामा आपको पता रहेगा, डोंट वरी, गामा आपको पता रहेगा, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूं, गामा आपको नोन रहेगा। आपको सिर्फ इतना बोलेगा आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है रिंग में, हॉलो सिलेंडर में, डिस्क में, सॉलिड डिस्क में, सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड स्फीयर में, हॉलो स्फीयर में, 6 ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक का नाम देकर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी दे देगा और बोलेगा कि आप इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी बताओ। 6 क्वेश्चन बन गए, एक बार में निपटाऊंगे, गामा आपको उस ऑब्जेक्ट का पता रहेगा, आगे निकलवा रहा हूं, डोंट वरी, गामा आपको उस ऑब्जेक्ट का पता रहेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी देके रखिए, गामा टाइम्स टोटल काइनेटिक एनर्जी कर दूंगे तो क्या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, 6 क्वेश्चन हो गए। या फिर वो बोलेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, आप बताइए रोटेशन में कितनी होगी अगर वो प्योर रोलिंग में है, तो बेटा गामा पता है, टोटल दे दिया, 1 - γ × टोटल, क्या 6 क्वेश्चन फिर से बन गए या नहीं बन गए? गामा निकलवा रहा हूं, ठंड रखो ठंड रखो, मुंह पे गामा की वैल्यू मुंह पे रख लेना, क्वेश्चन मुंह से निपटा दूंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको गामा मेरे मामा, अगर गामा पता है गामा आपको पता है यार, आप समझो इस चीज, नहीं समझना, इधर आओ आओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बेटा, गामा आपको पता है, इधर आइए, देखिए सबसे पहले रिंग की अगर मैं बात करता हूं, रिंग बोलूं या हॉलो सिलेंडर बोलूं, एक ही बात होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर, रिंग बोलूं या हॉलो सिलेंडर बोलूं, बात तो सर एक ही होगी। अगर रिंग की बात करता हूं, आई कितना होगा रिंग का? एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर लिखता हूं भाई, जो आई है रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ही लिख देता हूं या नहीं? हाँ जी सर। तो बेटा अगर तूने एम से एम उचका दिया, अगर एम से एम उचका दिया तो मेरे को तू एक बात बता लाला, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आला? सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सर
k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आला वन। अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर वन आया तो बेटा गामा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया। यहां से गामा की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? सर गामा की वैल्यू 1/2 आई। कितने लोगों की बत्ती जली? गामा क्या है? गामा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यानी अगर मेरे को k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता लग गई तो क्या मेरा काम हो गया? हाँ जी सर हो गया। यानी रिंग की बात करूं या हॉलो सिलेंडर की बात करूं दोनों के लिए बेटा सेम ही होता है आई तो दोनों की रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर पक्की बात है एकदम। जी सर हॉलो सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, हॉलो सिलेंडर हो गया, डिस्क की अगर मैं बात करता हूं, डिस्क बोलूं या सॉलिड सिलेंडर बोलूं, बात एक ही है या नहीं है? हाँ जी सर बात एक ही है। अगर बात एक ही है तो बेटा आई एम आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। इसका मतलब के स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 आया। अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 आया तो मेरा मामा क्या आया? सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। तो बेटा आप बताओ अगर ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 2/3 हो गया या नहीं हो गया? गामा की वैल्यू 2/3 हो गई हाँ या ना? गामा की वैल्यू 2/3 हुई या नहीं हुई बताइए राइट और रॉन्ग। गामा की वैल्यू 2/3 हो गई बहुत अच्छे। अच्छा इसके बाद हॉलो स्फीयर ले लेते हैं है ना करो। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का बेटा आई कितना हो जाएगा? सर 2/3 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अगर मैं रखूंगा एम से एम कटा तो बेटा आ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आया बेटा? 2/3 आया। 2/3 तो बेटा मामा कितना आया? मामा आया सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 2/3। यानी बेटा मामा यहां से आया आपका 3/5, 3/5। हाँ या ना? लास्ट सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप खुद करोगे, मैं सिर्फ बोलूंगा। सॉलिड स्फीयर बेटा सर 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो बेटा यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 आया। गामा कितना आया? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/5। गामा आया आपका 5/7। अच्छे से देखो गामा की वैल्यू आ रही है 0.5, गामा की वैल्यू आ रही है 0.66, गामा की वैल्यू आ रही है 0.6, गामा की वैल्यू आ रही है 0.72 अप्रोक्स। हाँ या ना? 0.72 अप्रोक्स आ रही है राइट और रॉन्ग। अगर आपको गामा की वैल्यू पता है मेरे भाई, ओ मेरे भाई अगर तेरे को गामा की वैल्यू पता है तो मेरे को एक बात बता, गामा क्या हर बार 1 से छोटा है या नहीं है? अगर गामा 1 से छोटा है तो ये जो गामा है ये फ्रैक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है? गामा जो है ये फ्रैक्शन दे रहा है या नहीं? 1 से छोटा फ्रैक्शन होता है या नहीं होता है? तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन गामा देगा या नहीं देगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशन में कितना फ्रैक्शन गया ये गामा देगा या नहीं देगा? देख अब सुन, अगर मैंने तेरे से कहा बेटा
एक रिंग को मैंने प्योर रोल कराया तो कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी में रहेगा? 50%. अगर मैंने एक सॉलिड स्फीयर को प्योर रोलिंग में किया तो कितना परसेंट ऑफ टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी में रहेगा? 72%. हाँ है ना? अगर मैंने एक सॉलिड सिलेंडर को प्योर रोल करवाया तो कितना परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका रोटेशन में रहेगा? आप बताइए कितना परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका रोटेशन में रहेगा? आप बताइए. 66%. सॉलिड सिलेंडर कहा है ढोर. 40%. 33% इज द राइट आंसर. सॉलिड सिलेंडर कहा है, सुनते नहीं हो. 33%. 0.667 होता ना बाबा, तो 0.7 लिखते ना लगभग लगभग, तो 0.33% के अराउंड 33-34 आता है. हाँ या ना? अब वापस आता हूं. अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी, 12 क्वेश्चन बना दिए, 12 और बना रहा हूं देख. अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी दे दी है, आपको ऑब्जेक्ट दे दिया है, रिंग है. अगर रिंग है तो 50% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका काय में चले जाएगा बेटा, आपका ट्रांसलेशन में. अब ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है तो क्या उसकी ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी आप स्पीड बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? 6 क्वेश्चन और बन गए. मैंने क्या कहा? क्वेश्चन समझो ना बाबू, आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं, नीट में आए हुए हैं. आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया गामा, पता है, मान लो रिंग है, और रिंग है और 100 जूल की एनर्जी है रिंग की, जिसका मास 2 kg है. आप उसकी VCM बताइए कितनी होगी, VCM बताइए कितनी होगी. तो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 है, तो 100 यानी ट्रांसलेशन से VCM निकलेगा, ट्रांसलेशन में 50 ही होगी, तो 50 ये आ गया. तो बेटा अगर मास 2 kg है, 20 से 20 काटा, रूट ओवर ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? रूट ओवर ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड होगा या नहीं होगा? 6 क्वेश्चन और हो गए. हाँ या ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, उसका आई आपको पता है और उसका ओमेगा पूछ लिया, तो क्या बेटा उसका निकाल सकते हो या नहीं? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, रिंग ही ले लो, रिंग ही ले लो, रिंग की 100 जूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी है और आपसे उसका ओमेगा पूछा है कितना होगा. अगर आई 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 उसका 2 दे दिया है तो अभी ओमेगा कितना होगा बेटा? रूट ओवर ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड ही होगा या नहीं होगा? बताइए भाई. 12 12 24 24 क्वेश्चन डन. मान लेना यार, मान लेना 24 क्वेश्चन डन या नहीं डन? हाँ या ना? अरे ये क्वेश्चन बेटा उठा के देखना, PYQ में मिलेंगे ऐसे के ऐसे. बस लैंग्वेज पकड़ लेना, समझ जाना. हाँ टोटल दिया, प्योर रोलिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना ढिकाना. तो टोटल ऑफ 48 क्वेश्चन डन. हाँ या ना? क्वेश्चन टाइप लिखवा दूं, क्वेश्चन टाइप क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन आपको दे देगा गामा टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है. सुनो पहला क्वेश्चन, 12 और बनाता हूं रुको. आपको दे देगा गामा और टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये गिवन दे देगा, ठीक है, गिवन दे देगा. यहां से बनाएगा, आप पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बताओ. 12 12 24 क्वेश्चन ये हो गए, नहीं सॉरी 6 6 12 क्वेश्चन ये हो गए. आगे बढ़ो. और मैंने क्या कहा? वो आपको गामा दे देगा, मास दे देगा या आई दे देगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ये गिवन है. यहां से क्या पूछेगा? यहां से या तो आपसे VCM पूछ लेगा या फिर आपसे ओमेगा पूछ लेगा. 12 12 24. और वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा, वो आपको देगा, वो आपको देगा, आराम से, वो आपको देगा रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू
रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये आपको गिवन दे देगा और आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, गामा की वैल्यू निकालना ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर वो आपको दे देगा रोटेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ये आपको गिवन दे देगा और आपसे बोल देगा ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है। इतना कंसाइस लेक्चर आपको दे रहा हूं, 12, 24, 24 और 36 और 36 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, धुआं धुआं कर देना उठा के, धुआं धुआं इनके। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन के जब आप सॉल्यूशन नेट पे देखोगे ना, एक एक पेज के सॉल्यूशन दे रहा होगा, वो हर बार आपसे ये लिखवा रहा होगा, वो हर बार आपसे ये करवा रहा होगा, क्यों करना। कितने क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है, गिन लो, 6 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी दे सकता है वो, 36 टोटल पोस्टमार्टम आपके सामने, अभी तो बस चालू हुए हैं, अभी देखते जाओ आगे। ठीक है सर, तो गामा क्या बता रहा है बेटा, गामा बता रहा है कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन आपका ट्रांसलेशन में है, राइट और रॉन्ग। आइए यहां पे अगर मैं कंपेयर गामा, अगर गामा मैंने कंपेयर किया तो एक बात बताओ, अगर गामा कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा गामा किसका आ रहा है। सर सबसे ज्यादा गामा आ रहा है ये वाला मैक्सिमम, और सबसे कम आ रहा है ये वाला मिनिमम, यानी कि गामा ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद गामा ऑफ डिस्क, उसके बाद गामा ऑफ हॉलो स्फीयर और उसके बाद गामा ऑफ रिंग आएगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, अभी सुनते जाओ, गामा ऑफ रिंग आएगा, कोई दिक्कत यहां तक बेटा, आराम से देखो, इतना ही आ रहा है, राइट और रॉन्ग। हाँ या ना, इतना ही आ रहा है, सब एकदम आराम से मिला लीजिए बेटा, राइट। उल्टे से मैंने लास्ट टाइम याद करवाया था, आर एच डी एस से आप याद रख सकते हो, सबसे कम आर का, एच उससे कम, डी उससे कम और एस सबसे कम। आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना। अब सुनो, परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल एनर्जी या फ्रैक्शन, एक मिनट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है। ये क्या है बेटा, सर ये गामा है, और ये क्या है सर, गामा इंटू 100 है, ये क्या है सर, गामा है, और ये क्या है, ये है सर गामा इंटू 100, हाँ या ना।
पक्की बात। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशन एनर्जी 1 माइनस ऑफ गामा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ गामा इंटू 100 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताइएगा ट्रू और फॉल्स। सॉलिड स्फीयर है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल एनर्जी। सॉलिड स्फीयर है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सॉलिड स्फीयर हैव मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ फॉल्स, एग्जैक्टली फॉल्स। क्यों, मैक्सिमम होती है ट्रांसलेशन में, राइट हो रहा हूं, हाँ या नहीं? रोटेशन में क्या होगी सर, मिनिमम होती है, मिनिमम होती है रोटेशन में, राइट और रॉन्ग, हाँ या ना? राइट और रॉन्ग, हाँ जी सर। अच्छा एक चीज और लिखता हूं, चलिए बताइएगा ट्रू और फॉल्स। रिंग हैज, रिंग has maximum fraction, ring has maximum fraction of, एक मिनट गलत लिखा हुआ है, ring has maximum fraction of टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल एनर्जी। ट्रू और फॉल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ, इधर बीच में ऐड कर लेना, टोटल काइनेटिक, हाँ ठीक है, रोटेशनल इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी ठीक लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, कितनों की बत्ती नहीं जल रही है बेटा, भारी भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी भारी, तो मजाक मस्ती में कंटेंट इतना कंसाइज कर दिया आपके लिए कि आप उड़ा दे रहे हो, धुआं धुआं कर दे रहे हो एक बार में, अदरवाइज बेटा सब गीली पीली हो जाती, समझे, समझे या नहीं? पक्का? और क्या लिखवा सकता हूं आपको? यहीं पर आप ऐड कर लेना ऐसे करके छोटा छोटा। सॉलिड स्फीयर में 72% होता है, डिस्क में 66% होता है,
हॉलो स्फीयर में 60% होता है और रिंग में ट्रांसलेशन का 50% होता है। तो बेटा फॉर रोटेशन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इतना तो कर सकते हो, रोटेशन इसका उल्टा हो जाएगा। अभी सुनो, एक टेबल बनवाने जा रहा हूं जहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे सीधे। यह है आपके सामने एक टेबल, दिख रहा है सबको? पेन कौन सा दिख रहा है? रेड। रेड में मजा नहीं आ रहा, ये वाला इसमें तो और नहीं आ रहा है। ये दिखना चाहिए अच्छे से। ब्लू बिल्कुल नहीं, रेड ही सबसे सही दिख रहा है ना। चलिए आइए बच्चों, क्वांटिटी गामा, गामा रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए गामा कितना आता है बच्चों? सर गामा आता है रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए 1.1/2 या 0.5, फ्रैक्शन में अगर लिखूं तो। हाँ या ना? हाँ जी सर, 1/2 और 0.5 आता है या नहीं आता है? 1/2 या फिर 0.5। हॉलो स्फीयर के लिए कितना आता है? सर इसके लिए आता है आपका 0.6, 0. देख लो एक बार, हॉलो स्फीयर के लिए कितना आता है? 3/5 बोले तो 0.6, 3/5 बोले तो 0.6। सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए कितना आता है? 2/3 या 0.66। हाँ या ना? सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आता है? 72 यानी 5/7 या फिर 0.72। आता है या नहीं आता है? दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? एक मिनट रुको यार, अभी दिखा? यार ये पेन नहीं जम रहा यार, पेन क्या ब्लैक ले लूं क्या? ब्लैक दिखेगा, चलो ब्लैक से कर देता हूं। ठीक है, मैंने फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, ये लिखा हुआ है गामा, ये लिखा हुआ है 1/2 या फिर 0.5, ये लिखा हुआ है 3/5 या फिर 0.6, ये लिखा हुआ है बेटा 2/3 या फिर 0.66, 0.66, ये लिखा हुआ है बेटा 5/7 या फिर 0.72। हाँ यार राइट। चलिए तो आपसे बोला रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना होगा। बेटा ये गामा के बराबर ही होगा या नहीं होगा? फ्रैक्शन में 0.5 या फिर 50%, फ्रैक्शन में 0.6 या फिर 60%, फ्रैक्शन में 0.66 या फिर 66 या 67%, फ्रैक्शन में 0.72 या फिर 72%। हाँ या ना? हाँ जी सर, ठीक है। अगर उसने कहा रोटेशन, रोटेशन टू टोटल बताओ कितना होगा बेटा, सर 1-γ होगा या नहीं होगा? यानी कि 0.5 या फिर 50%, यहाँ पर 0.4 या फिर 40% रोटेशन में रहेगा, 0.33 या फिर 33%, 0.28 या फिर 28%। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन बताइए, 28% नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 28% होता है। या फिर वो आपसे क्या पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशियो बताओ, यानी गामा, गामा डिवाइडेड बाय 1-γ का रेशियो बताइए। तो बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी। अच्छा
इसका क्या आएगा, 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 3/2 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 3/2 आएगा या नहीं आएगा? इधर से 0.66 डिवाइडेड बाय 0.66 डिवाइडेड बाय 0.33 2:1 आएगा या नहीं आएगा? इधर कितना आ जाएगा बेटा, 0.72 डिवाइडेड बाय 0.28 करिए कितना आ रहा है, 0.72 डिवाइडेड बाय 0.72 डिवाइडेड बाय 0.28 करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5/2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5/2 आता है, 14 से कर दो, है ना? हा या ना? पक्का आगे करें? चलिए एक दो क्वेश्चन निपटाएं आप लोगों के लिए। चलो अच्छा, इसके पहले आगे बढ़े एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बॉडी फॉर विच इफ वाइल परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग द फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज प्योरली रोटेशन इज 2/5। बताइए, करिए क्वेश्चन। आपको बॉडी आइडेंटिफाई करना है जो 2/5 आराम से रोटेशन का टोटल से जो रेशो देके रखा है 2/5 0.4 यानी कि आंसर आ जाना चाहिए मौखिक। हॉलो आया? अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो मैं हूं, डोंट वरी, ये हॉलो स्फीयर आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो मैं हूं ना, रुक जाओ। हॉलो स्फीयर आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है मेरे पुच्छुओं को, अल्टरनेट खेल लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल दे के रखा है, यानी 1 माइनस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 2/5 दे के रखा है या नहीं? हाँ जी सर, 5 माइनस ऑफ 5 गामा इज इक्वल्स टू 2 दे के रखा है या नहीं? हाँ, 5 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 गामा दे के रखा है या नहीं? गामा इज इक्वल्स टू 3/5 आ रहा है या नहीं? बेटा गामा 3/5 क्या किसी का आता है? गामा 3/5 किसी का आता है? 3/5 गामा किसका आता है? 3/5 गामा किसका आता है? रट लो। और अगर इतना आपने, मैं वैसे बोलता नहीं हूं लेकिन अब मुझे पता है कि आप वहां पर जाके समझ लो ना, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देख के कर देते हो आप लोग, है ना? इसलिए अगर ये वैल्यूज आपके दिमाग में है तो बेटा इसका नहीं मानता, यही क्वेश्चन नेट पे डाल के देखना और कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा आप देखना, एक बार मिलाना समझना, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ एजे सर ने कुछ तो आज लेक्चर में काम करवाया है, 60-70 क्वेश्चन निपटवा दिए लप। और क्वेश्चन कर लो आओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 4 kg अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 20 जूल, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग। खेलो, रोलिंग सॉलिड स्फीयर, चलिए खेलिए। नहीं बन रहा? अल्ले आल थल मेला आंथल नहीं आ रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का नाम और सॉलिड स्फीयर देख ही लिया है,
तो सॉलिड स्फीयर का गामा कितना होता है मामा? सर सॉलिड स्फीयर का गामा 5/7 होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? 5/7 लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मास दे के रखा हुआ है 4 kg का। अबाउट इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी दे के रखी हुई है 20 जूल की। आपसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी हुई है, कितनी होगी? आओ कम तम तम हेल तम हेल तम हेल इधर आओ, कम तम तम तम, अले आओ ना, तहा दाले हो बेटा, इधर दे दो इधर, अले तहा दे थल, अले धुम दे अले बाबा। मास दिया है, गामा आपको पता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है और VCM पूछा है, यही टाइप है या नहीं है क्वेश्चन का? खत्म। यही लगाओ रे बाबा रे बाबा, तुमको कटोरा दिया हाथ में सोने का, खेल लो उसके साथ। सिंस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा, बोले तो कितना हो जाएगा? 5/7 मामा, टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 20। वैल्यू पुट अप कर, 1/2 इंटू 4 इंटू वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/7 इंटू 20। हाँ या ना? एक बार, दो बार, 10 बार, 50/7, तो बेटा जो वी सी एम आ रहा है रूट ओवर ऑफ 50/7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हाँ या ना? 50/7 आ रहा है या नहीं आ रहा है आप बता दीजिए पटाख से। पक्की बात राइट? आओ कम आओ, 6 क्वेश्चन और निपटाते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आपको देकर रखा हुआ है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्योर रोलिंग व्हेन इट रीचेस द बॉटम मोस्ट पॉइंट। 6 और 6 12 क्वेश्चन निपटाने जा रहा हूं मेरे यार, आई रिपीट, 6 और 6 12 क्वेश्चन होंगे इस स्लाइड के ऊपर। रोटेशन है, मुझे नहीं पता क्यों आपको टफ लगता है, लेकिन है नहीं, मुझे नहीं पता आपको टफ क्यों लगता था। मैंने आपसे हालांकि शुरू में बोला था कि चीजें हो सकता माइट टफ, माइट बिकम टफ, लेकिन क्या चीजें टफ बनी है अभी तक? ये लेक्चर को आज तो तेरे सब समझ आएगा, सुन मेरी बात, आज के 3 दिन बाद तू सब भूल जाएगा। तो भलाई इसमें होगी कि 3 दिन मेरे को टारगेट देने की जरूरत ना पड़े, अभी से लिख ले 3 दिन बाद इसको रिवाइज करना है, और उस 3 दिन के 7 दिन बाद यानी आज के 10 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, और आज के 20 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, और आज से 45 दिन बाद फिर रिवाइज करना है। कभी जिंदगी में लोलिंग मोशन नहीं भूलेगा बेटा, चला जाए इधर। बेटा यहां से एक ऑब्जेक्ट, मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेके बात ही नहीं करूंगा, सुन मेरी बात, मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करूंगा, रिंग ले ली, फलाना ले ली, ढिकाने ले ली, अपन ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका लिखेंगे आई। क्यों? जैसे ही अपन ने आई लिखा 6 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में बदल गया। कैसे बदल गया सर? भाई इसकी जगह तू रिंग की जगह सॉलिड स्फीयर ले ले, सॉलिड सिलेंडर ले ले, हॉलो सिलेंडर ले ले, डिस्क ले ले, कुछ ले ले, क्या फर्क पड़ता है, आई लिख के कर तू, 6 क्वेश्चन हो गए। हाँ या ना? हुए या नहीं हुए 6 क्वेश्चन, आप बताओ। हाँ जी सर। बेटा इट्स क्या लिखा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्योर रोलिंग व्हेन इट रीचेस द बॉटम मोस्ट पॉइंट। आपसे कहा है जब ये भाई यहां से, जब ये भाई यहां से घूम, अरे नहीं 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 नहीं, ये भाई यहां से ऐसे चलते हुए गोल 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 घूमते हुए यहां आ जाएंगे, तो आपको यहां पर बताना है, आपको यहां पर बताना है कि इसका ओमेगा क्या होगा, अगर आपको ये हाइट, अगर आपको ये हाइट एच गिवन है तो।
अगर आपको ये हाइट h गिवन है तो खेलो यार। सर ये कैसे करेंगे? करो ना, आएगा। आपको ये हाइट h देके रखी है, इट्स एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, डजंट मैटर, ऑब्जेक्ट ले लो, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसका आई ले लो या के ले लो या एम ले लो या आर ले लो, या आपको पता है, खेलो। कैसे करूंगे सोचो। आज फेस्टिवल है क्या कोई बाहर? बेटा आज गणेश उत्सव है, आज अनंत चतुर्दशी है। चलिए बताइए। इसी बात पे बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ बताइए। करिए कैसे करेंगे? सोचो 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 सोचो। यार नोएडा में अपने क्या, अपने गांव शहर में तो भाई इतने सारे गणेश जी बैठते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे चंदा ले लेके गणेश जी बिठा देते हैं। हमारे एमपी साइड इटारसी हुआ, जबलपुर हुआ, है ना, इटारसी हुआ, जबलपुर हुआ, ये सब हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गली गली चंदा मोहल्ला लेके बैठाते हैं, घर घर बैठते हैं। यहाँ नोएडा से लेके दिल्ली तक कहीं घूम आओ यार, कहीं गणेश जी नहीं दिखे हमको, पता नहीं क्यों, पूरे गली गली घूम ली भाई, नोएडा में तो कहीं भी नहीं है। खैर यहाँ पे बिजनेस क्लास वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जॉब ऑफ करते हैं, भोपाल ओपाल वही अपने एमपी साइड बोला ना मैंने, एमपी चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, भयंकर एक माहौल होता है भाई। आज के दिन इटारसी में तो अपन इटारसी के तो माहौल होता है, दूर दराज से पूरे इंडिया से ढोल बुलाते हैं, कोई कोई बुरहानपुर के ढोल बुला रहा है, कोई बिहार के ढोल बुला रहा है, अलग अलग जगह के, कोई नासिक के ढोल बुला रहा है, कोई पुणे के ढोल बुला रहा है, इटारसी में हर चौराहे चौराहे साला बजता रहता है, बढ़िया कहीं भी जाके डांस करे और बढ़िया मूड फ्रेश हो जाता है। आज ही मेरे दोस्तों का फोन आया, आ रहा है तो आ जा, मैंने कहा नहीं भाई इतना टाइम कहाँ है, बोले यार आज के दिन तो आया कर, पहले हम लोग साथ रहते थे। चलिए करिए, ये स्मूथ सरफेस है ना, दिस सरफेस इज स्मूथ, आपको देख के रखा है, प्योर रोलिंग हो रही है ना। चलिए प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग हो रही है लिखा है ना ऐसा, वाइल हाँ प्योर रोलिंग लिखा है ना, ठीक है। चलिए आइए यहां देखिए बेटा, सुनो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। जो भी लग रहा है mg वर्क डन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, सिंस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, होगा या नहीं होगा? ये रेस्ट से छोड़ा था, ये रेस्ट से अगर छोड़ा तो आप बताइए इनिशियल काइनेटिक तो कितनी होगी सर जी, जीरो हो गई या नहीं हो गई? हाँ या ना? हाँ जी सर, इनिशियल काइनेटिक जीरो हो गई। और अगर मैं, कौन आदित्य जैन, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ तो मेरे को एक बात बताओ, फाइनल पोटेंशियल जीरो हो गई या नहीं हो गई? हाँ जी। अच्छा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर? mgh, मानते हो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर जी? mgh। फाइनली प्योर रोलिंग हो रही है तो कुछ जाएगी आपकी ट्रांसलेशन में, कुछ जाएगी आपकी रोटेशन में, हाँ या ना भाई? इस पर्टिकुलर जगह पर आगे भी तो जा रहा होगा bcm से, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर, ये आगे भी जा रहा होगा कुछ bcm से। चलो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है
अगर ऐसा है बहुत आराम से देखो, आराम से एकदम सोचना है आपको क्या पूछा है। MGH ऐसे ही लिखे रहने दो, हाफ ऑफ m। आपसे ओमेगा पूछा है, प्योर रोलिंग हो रही है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर आपसे ओमेगा पूछा है तो बेटा v को चेंज करेंगे ओमेगा के टर्म्स में, राइट और रॉन्ग? क्यों? आपसे एंगुलर स्पीड पूछा है ना ओमेगा, तो हाफ ऑफ vcm को क्या लिखूंगा बेटा, r ओमेगा का होल स्क्वायर लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ जी सर, प्लस हाफ ऑफ i को क्या लिख सकता हूं सर, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? पक्की बात एकदम? आप से क्या क्या कट जा रहा है सर, एम से एम उचका दो, यहां से सर टू बाहर लो और इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूं? क्या बच रहा है आपके पास, आराम से देखो सर, 2GH इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2GH आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यस ये हो रहा है बेटा, 2GH इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, सब्जेक्ट बना दो, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच रहा है या नहीं बच रहा है? हाँ, एक काम करो आप, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर लो, क्यों मैं बता रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर लो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर लिया तो आपके पास क्या बच रहा है सर, यहां पे वन बच रहा है और यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच रहा है, हाँ ना? हाँ यार सर, बात तो सही है। तो यहां से बेटा जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है वो क्या आ रहा है सर, 2GH रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल रूट आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया ओमेगा, दिस इज द राइट आंसर। मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं, यहां पे वन दिख रहा है, डिवाइड में वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या आपका दोस्त गामा मेरे मामा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? यानी यही इसी को 2GH गामा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना? 2GH गामा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? सुनो 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 ओ दुनिया वालों, ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है तो उसका गामा आपको पता लग जाएगा, ऑब्जेक्ट पता है तो उसकी रेडियस आपको पता लग जाएगी, एच आप जानते हो, जी आप जानते हो, टू ओमेगा निकल जाएगा। अगर वो ओमेगा दे देगा कि नीचे जाके उसकी एंगुलर स्पीड इतनी है, ओमेगा देख यहीं से कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना रहा हूं, देख 6 ये हो गए, बस क्या है डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, रिंग के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, गामा की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, हाँ या ना? पहली चीज राइट, दूसरी चीज 6 क्वेश्चन ही हो गए। अगर वो ओमेगा दे देगा तो गामा निकाल के आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? हाँ जी सर कर लेंगे। दूसरी चीज कितने हो गए, 6 ही हो गए, क्योंकि 6 के लिए ओमेगा अलग अलग देगा ना, तो 6 की गामा की वैल्यू अलग निकलेगी, 6 और 6 12। और क्या करेगा सुनो, वो आपसे VCM पूछ सकता है, वो आपसे VCM पूछ सकता है, यानी ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है यही बेटा VCM by R होगा फॉर प्योर रोलिंग, बिकॉज VCM इज इक्वल टू R ओमेगा होता है प्योर रोलिंग। तो वो आपको ओमेगा, वो आपको सुनो, वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा और VCM निकालने बोल देगा, तो जैसे आपने ओमेगा निकाला वैसे ही 6 क्वेश्चन के लिए VCM निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? 6 6 12 6 18 हो गए या नहीं हो गए? खेलना सीखो। मैंने सिर्फ रोटेशन में आओ मेरा गुरु मंत्र दे रहा हूं,
बहुत कम झेल पाएंगे, लेकिन जो झेल लेगा उसकी दुनिया बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, नीट निकल जाएगा। रोटेशन में, रोलिंग मोशन में अगर खेलना है तो ऑब्जेक्ट को कभी मत देखो, ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा जनरल ऑब्जेक्ट लेते हुए चलो, आई लेते हुए चलो। हर क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन में बदल रहे होंगे आप, ये मैं आपको बता रहा हूं। 18 ये हुए, 30 वहां कराए थे, बीच में इतने सारे करा दिए, मुझे ही नहीं पता कितने क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में। आप बताइए मजा आया या नहीं, वो आवाज आई अंदर से जो मैंने पूछा था, वाह सर मजा आ गया। हाँ, अभी कल पढ़ेंगे अपन बेटा, हालांकि लेकर तो आया था और थोड़ा सा प्योर रोलिंग वगैरह पढ़ाना, लेकिन अब हो गया टाइम, जितना सोच के आया था उससे ज्यादा टाइम लग गया, लगभग 60-70 क्वेश्चन तो निपटा दिए होंगे आज। तो कहीं से निपटाओ यार, खेलते हो रहो, बढ़िया है, मस्त रहो, ऐश कर, ठीक है। आज के लिए इतना रख रहा हूँ, क्लास कैसी लगी इंस्टा वगैरह पे मैसेज करके बता देना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ मैसेज आपको करना हो बता देना, क्लास बढ़िया लगी हो तो। थैंक यू सो वेरी मच, कल मिलते हैं, टेक केयर।